कुछ केमिस्ट्री उसमें आ गया है, तो उसको इग्नोर करके आप लोगों ने जिन्होंने असाइनमेंट की हैं, जिन्होंने 100% करी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने एटलीस्ट 90% करी सर, हैं वो भी ओके हैं, 75% एंड अबव ओके हैं, एक्सेप्टेबल है, बट लेस देन 75% एंड बिलो वाले लोग हैं। अगर आप उनमें से कुछ हैं तो प्लीज आप उसे मार्क कर लीजिए दैट एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, योर अटेंडेंस, योर परफॉर्मेंस इन क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड। एंड ठीक है, कोचिंग के लिए नुकसान फायदा अलग बात है, पर आपके लिए है वो, जो ये अटेंडेंस आपको भेजी जा रही है या असाइनमेंट में आपकी परफॉर्मेंस आपको भेजी जा रही है, उसका उद्देश्य केवल इतना है आपको ये सूचित करना कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपकी सूचना में रहना चाहिए। तो मैं इस बात को दोबारा से कहूंगा कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप सीरियसली अपने गोल के लिए, क्योंकि पहले दिन से ही मैं एक ही बात को दोहराता रहता हूँ, दोहरा भी रहा हूँ, रिपीटेडली दोहरा रहा हूँ कि जो है हमारा जो प्रयास है वो होना क्या है, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा और आगे भी जो कुछ पढ़ेंगे उसमें से कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे समझ नहीं आता, सबको समझ आएगा, परंतु सबकी एक ही समस्या मुझे दिखाई देगी, जो भी समस्या ग्रस्त है उनको, कि वो निरंतरता को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आप निरंतरता को मेंटेन करिए, आप अगर बीच में चीजें छोड़ देंगे, शुरू में छोड़ देंगे, आगे आपका सफर चलेगा नहीं, परंतु अगर आप इस सफर को निरंतर आगे बढ़ाएंगे, तो मेरी ऐसी पूरी पूरी कामना है और पूरी पूरा मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस यही एक समस्या है जिसको आपको खुद अपने आप से लड़ना है कि अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहा हूं। तो आप इस चीज को अपने मन में फ्लैग करिए, अपने अंतर मन में इसका ध्यान रखिए कि भाई मैं इसको क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको करूं। तो इसी अपेक्षा के साथ कि सभी लोग अपना होमवर्क असाइनमेंट करेंगे, और जो लोग नहीं करेंगे उनको सम सॉर्ट ऑफ वार्निंग, और फिर बहुत लंबे समय में अगर लगातार वो ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो उसे कोचिंग से अलग भी करना पड़ सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अपनी असाइनमेंट पूरा करें। आज 20 और क्वेश्चन, ठीक है, मैं किसी से पूछ सर लेता हूँ, हमको असाइनमेंट मिल ही नहीं रहा सर। ठीक है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जो लोग अभी रुक जाइए, अभी काफी सारे लेट लतीफ लोग हैं, उन लेट लतीफ लोगों को जुड़ जाने दीजिए, ठीक है। मुझे आप 10 बजे याद दिलाइएगा, मैं 10 बजे सभी को, वैसे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप क्लास निरंतर कर रहे हैं तो ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आप मुझे एग्जैक्टली 10 बजे याद दिलाइएगा ताकि सभी लेट लतीफ लोग भी जुड़ जाएं, और जब वो जुड़ जाएंगे मैं दोबारा से आपको दिखा दूंगा कि असाइनमेंट कैसे होगा, ठीक है, ताकि किसी को डाउट ना रहे। चलिए, तो हम अभी अपनी क्लास शुरू करते हैं, कल जो हमने टॉपिक शुरू किए थे उनसे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही होगी आप सभी को? यस सर, सर क्लास रिकॉर्डिंग में लगा दीजिए। शायद मैंने लगा दी है, यस सर लगी हुई है। ये मैसेज अगर आप लोगों को ये दिखता है, ये भी आपको भी दिखता है, यू आर रिकॉर्डिंग? यस सर दिखता है। तो आप अगर ये मैसेज ऑन नहीं है तो मुझे याद दिला दिया कीजिए सर, ये रिकॉर्डिंग में आज नहीं लगी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी तो हम सब के लिए फायदेमंद होगा, मैं फिर उसे अपलोड कर पाऊंगा, अगर रिकॉर्ड करना भूल गया तो फिर वो गई। चलो आगे हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है, कैसा लग रहा है इंटरनेशनल अफेयर या जो अब तक पढ़ लिया, कैसा कुछ ठीक ठीक समझ आ भी रहा है या गोल गोल सिफर? सर बेसिक काफी क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो सिविल सर्विसेज सारा कुछ बेसिक ही है, ये बात ध्यान रखना सबको, है ना, सब कुछ बेसिक है, हर चीज का बस बेसिक आना चाहिए, बस यही है कि बेसिक बहुत सारी चीजों का पूछा जाता है, उसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है,
वो हमसे ये नहीं पूछता। मैं कल भी ये चर्चा कल मैं किसी को बोल भी रहा था शायद कि हमने कल यूएन क्लॉज पढ़ा था, वो आपको यूएन क्लॉज के जो ट्रीटी के और जो उसके नियम है अधिनियम है कि यहाँ पे लाइन खींचो ये यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, वो नॉर्मली ये सवाल आपसे नहीं पूछता है। वो आपसे बस ये चाहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूएन क्लॉज होता क्या है, यूएन क्लॉज से संबंधित आज के समय की रीसेंट न्यूज़ क्या है, जो एक आम आदमी को एक पब्लिक को एज एन इंटेलिजेंट पर्सन या नॉलेजेबल पर्सन जिसको पता होना चाहिए। वो आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि अच्छा बताओ यूएन क्लॉज की जो धारा 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो सवाल आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको यूएन क्लॉज के पीएचडी होल्डर तो है नहीं, आपका काम ये नहीं है। आपका काम ये है कि हाँ अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे बेसिक बता पाए, पर आपका जो बेसिक का दायरा होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और ये चीज ही हम लोग बहुत बार समझने में असफल हो जाते हैं। कुछ लोग क्या है एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं हम उसमें पीएचडी करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हो, उसमें आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, बाकी 10-9 सब्जेक्टों में क्या होगा? और अगर आपने 10 के 10 सब्जेक्टों का बैलेंस नहीं बनाया तो आपके लिए भारी समस्या होनी ही होनी है। आज मैं 20 क्वेश्चन और अपलोड कर रहा हूं, तो आपको 20 क्वेश्चन का एक नया असाइनमेंट मिल जाएगा, तो आप उसको जो जो हमने कर लिए हैं उनके आधार पर उसको आगे टेक अप करिए। जी सर, हम करते हुए थे ना आज बोलिए सर, जैसे हम फर्स्ट असाइनमेंट कर रहे थे जब, तो एक ही क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो एक ही क्वेश्चन कम से कम उसमें 7 बार या फिर 6 बार रिपीट होता है, आएगा आएगा, वो असाइनमेंट है ही है, असाइनमेंट ही है वो। मैं आपको 10 बजे इसलिए मैंने 10 बजे समय मांगा है आप लोगों से कि आप 10 बजे रुकिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो शायद अब किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा पर उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, तो कुछ तो एक तो लेट जुड़ते हैं फिर शायद चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, उसके बाद फिर अपने समय के हिसाब से या अपनी सहूलियत से उसी सवाल को पूछते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार जब सारे मतलब जो देरी से जुड़ने वाले या टाइम से जुड़ने वाले सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तब एक बार समझाऊं, तो इसलिए 10 बजे का समय आपसे मांग रहा हूं। 10 बजे मैं आप सभी को एक बार फिर से ब्रीफ कर दूंगा कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या हो क्या रहा है उसके अंदर में, वो असाइनमेंट है क्या। ठीक है, लेकिन सर अभी करेंगे, लेकिन सर शायद आपने नए क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं उसमें। 10 बजे हम इस चर्चा को करेंगे। ठीक है, चलो मुझे याद दिला देना 10 बजे एग्जैक्टली 10 बजे। हाँ हम लोग, अच्छा एक और चीज मैं कहूंगा, हम लोगों को ना हर हफ्ते आप लोग अपना रिविजन करो ना करो, मैं आप लोगों के साथ एक रिवीजन का सेशन भी रखूंगा कि हम लोग 1 घंटे में जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ाई करी है उसका 1 घंटा हम रिवीजन के लिए निकालने की आदत डाला करेंगे, ताकि हमने जो पिछले वीक में 1 वीक में जल्दी से हम उसको देख पाए कि हमने क्या किया। तो आज हम ज़्यादा टॉपिक नहीं करेंगे, थोड़े टॉपिक करते हैं और टॉपिक के बाद फिर आखिरी घंटा हम केवल या 45 मिनट्स लेट से 45 मिनट्स हम रिवीजन के लिए रखेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ लिया है उसको एक बार दोहरा लेंगे। हाँ चलो, तो अभी हम टॉपिक जिसकी बात कर रहे हैं वो G7। G7 देश क्या होते हैं? ठीक है, G7 वो देश हैं जो हमारे दुनिया के डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है। हमारी दुनिया को हमने किस हिस्सों में बांटा हुआ है? डेवलपिंग, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। तो इसमें कुछ जो टॉप 7 कंट्रीज हैं, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, उन 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड नेशन ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और इस ग्रुप को हम बोलते हैं G7। ये कभी G8 बन जाता है, कभी G7 रह जाता है। उसमें कभी रशिया कभी जुड़ गया था तब वो G8 हो गया था, फिर वो घट के वापस निकल गया तब वो G7 रह गया। तो ये G7 कौन से देश हैं जो कैपिटलिज्म में विश्वास रखने वाले
इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, ऑलरेडी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अचीव कर लिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ हो चुका है, ये वो देश है। कौन कौन से देश है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। उम्मीद है आप सभी लोग नक्शा लेकर बैठते होंगे, जो हमारी पीछे आप लोगों ने वादा किया था कि एटलस आप साथ लेके बैठे होंगे, तो मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप लोग सब एटलस लेके बैठे हैं। जी जी सर, जी सर, यस सर, हमेशा एटलस लेके, खासतौर में कम से कम इंटरनेशनल में जरूर लेके बैठिएगा कि आपको समझने के लिए आसानी उसमें हो जाए। मैं आपको इसमें वर्ड मैप देते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार आ भी गया है G20 संबंधित, कि G20 देशों में कौन कौन शामिल हैं। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था और पता नहीं कितने लोग सही कर पाए होंगे, पर आप लोग सही करिएगा। नक्शे से देखने से हमें अच्छी चीज ये होती है कि नक्शा तुरंत हमें याद करने में, मेमोराइज करने में बड़ी सहायता करता है। तो कौन कौन से देश हैं G7 में, अब आप लोग बताइए, मैं टिक लगाता जाऊंगा। कोई नहीं दिख रहे यहाँ, जर्मनी, फ्रांस, इटली नीचे, और जापान इधर राइट में सर, एक टीम में से ना थोड़ा पढ़ा करने की कोशिश कर। जापान हो गया, ये रहा जापान, कौन सा देश कहाँ पर है, ये जापान हो गया, यूके यहाँ पर हो गया, ये देश हमारा जर्मनी हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये इटली हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो ये 7 देश मिलकर क्या बना रहे हैं, G7 है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोरम है, हर साल इसकी मीटिंग, एनुअल मीटिंग होती है, भारत भी इसमें भाग लेता है, कैसे भाग लेता है वो अभी हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से भाग लेता है। इसके अलावा G7 में EU भी भाग लेता है, इन 7 देशों के अलावा, और ये 7 जो है मेजर एडवांस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, मेजर एडवांस इकोनॉमी, याद रखेंगे मेजर इंडस्ट्रियलाइज या IMF, मतलब मेजर एडवांस इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी। इसके साथ में पहले बीच में ये G8 कहलाता था, क्योंकि रशिया इसमें जुट गया था, परंतु रशिया बाद में इस ग्रुप से बाहर निकल गया, तब ये वापस G7 हो गया। G7 समिट हर साल एनुअली होती है टू डिस्कस इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, और इसके अलावा इनके फाइनेंस मिनिस्टर की एटलीस्ट सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 में इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री। माइक्रोफोन ऑन है, बंद कर लेगा तो अच्छा है, थोड़ा नॉइज आ रहा है। इसके अलावा इसका एक बॉडी है जिसका नाम है जेंडर इक्वालिटी एडवाइजरी काउंसिल, भारत इस G7 ग्रुप का सदस्य नहीं है, परंतु फिर भी भारत के प्रधानमंत्री जी इसके पीछे 2 पहले उन्होंने G7 की मीटिंग को एज अ स्पेशल गेस्ट अटेंड किया था। अभी G20 भी आएंगे तो फिर मैं इसके साथ जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट अंग है G20। G7 और G20 कॉन्टिन्यूटी में है, ये दोनों मीटिंग कॉन्टिन्यूटी में होती हैं, एक साथ होती है, पहले G7 की होती है फिर उसके बाद G20 की मीटिंग होती है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन G7 के बाद हम चर्चा में बात करेंगे
वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ठीक है। ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करता है। बेसिकली हमारी दुनिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग है या मनी के जरिए से जो क्राइम्स होते हैं उनको चेक करने के लिए ये FATF बनाया गया था 1989 में G7 कंट्रीज द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका काम है टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब लड़ना, मनी लॉन्ड्रिंग से, मनी लॉन्ड्रिंग से काले पैसे को सफेद करना। हिंदी में क्या बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को? ब्लैक मनी, ब्लैक को व्हाइट करना, ब्लैक मनी, हवाला, हवाला। ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक मनी की बात नहीं है, ब्लैक को व्हाइट करना। जो ब्लैक मनी होती है हवाला कहते हैं, उसको व्हाइट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको कैसे व्हाइट करना है, उस ये जो प्रोसेस है ब्लैक को व्हाइट करने का प्रोसेस, उससे कैसे लड़ना है, उसके लिए FATF काम करता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। क्योंकि टेररिज्म 2001 से पूरी दुनिया के नजरों में एक महत्वपूर्ण विषय बना, तब इस बात को समझा गया कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म को रोकने का एक साधन तो मिलिट्री है, फौज से लड़े, फौज लड़ाई लड़े, मिलिट्री सॉल्यूशन है। और भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है, वो है फाइनेंशियल सॉल्यूशन। यदि हम टेररिज्म की, टेररिस्टों की फाइनेंसिंग रोक दें, उनके पास अगर पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, हथियार नहीं होंगे, वेपन्स नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, वो खाएंगे पिएंगे क्या, छोड़ के भाग जाएंगे। तो फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण है टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए ये काम करता है FATF, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को किसी और प्रकार का अगर कोई खतरा है तो उसको रोकने का ये काम करता है FATF। उसके लिए एक लीगल व्यवस्था बनाता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाता है और ऑपरेशनल मेजर लेकर आता है। लीगल व्यवस्था कैसी होती है, कानूनी व्यवस्था, भाई क्या कानून होने चाहिए ताकि सभी देश उनका पालन करें, उसे रेगुलेट करना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। ये बहुत जरूरी है कि कानून बना लेने से, लॉ बनाना या रेगुलेशन रूल बना देना ही सफिशिएंट नहीं होता, उनको ऑपरेशनलाइज करना, उनको लागू करना भी उतना ही जरूरी है। तो इस काम के लिए एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, महत्वपूर्ण पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और आए दिन हम इसे अखबार में भी सुनते रहते हैं कि FATF ने ये रिकमेंडेशन किया, वो रिकमेंडेशन किया। जो हमारी FATF है, ये हमारे जो बदमाश देश हैं उन पर चेक करने के लिए ब्लैक लिस्टिंग करती है और ग्रे लिस्टिंग करती है। ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है, ब्लैक लिस्टिंग जो हमारे जो कंट्रीज हैं, जो जिन पर ये बात प्रूव हो जाती है कि ये देश मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहे हैं, या ये देश टेररिस्ट फाइनेंसिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व है, उन सभी देशों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उनके पर जो भी नेसेसरी एक्शन है वो फाइनेंशियल टर्म्स में लिए जाते हैं। उसके नीचे ब्लैक लिस्टिंग तो हो गई फाइनल पनिशमेंट की स्टेज। कुछ देश ऐसे होते हैं जो मार्जिन पर खड़े रहते हैं, मार्जिन मतलब कि वो बदमाशी कर रहे हैं पर वो बदमाशी उनकी अभी प्रूव नहीं हुई है। हमने कहा कि आपके यहाँ ये गड़बड़ है, वो कहते हैं नहीं नहीं इसमें ये दिक्कत है, या वो कोई ऐसा एक्सक्यूज बनाते हैं जिससे हमें लगता है कि चलो इन्हें मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हर तरह कोई भी देश 100% फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकता। हम कितना भी अच्छा सिस्टम बनाए ये कभी संभव नहीं होगा कि 100% परफेक्ट सिस्टम बनाए। थोड़ी बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हर देश में हो रही होगी तो हम उसे ब्लैकलिस्ट नहीं कर देंगे। तो हम उसको, अगर हो रही है सिग्निफिकेंट मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हम उसे वार्न करने के लिए एक ग्रे लिस्ट के अंदर उसको रख देते हैं।
कि भाई आप जो है आपके देश में कुछ सीरियस गड़बड़ है, आपके देश में टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, आपके देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आप इसको ठीक करिए नहीं तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार की वो वार्निंग जोन है जिसको हम ग्रे लिस्ट बोलते हैं। इसका जो जो ज्यादातर ये जो रेफरेंस में आता है वो आता है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। भारत इस बात के लिए इंसिस्ट लंबे समय से कर रहा है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत के अंदर में टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता है, उनको पैसा पहुंचाता है, जो टेररिस्ट हैं उनको पैसा पहुंचवाता है जिससे वो वहां से यहाँ भारत में आकर ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर हमले करते हैं, जो भी चीजें करते हैं वो वहां से मिलने वाले पैसे से करते हैं। और दुनिया ने अभी इस बात को अप्रिशिएट किया है, भारत चाहता है कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए, पर ब्लैकलिस्ट तो अभी नहीं हुआ है, पर ग्रे लिस्ट में उसको भारत के इंसिस्टेंस के कारण डाल दिया गया है। उसकी अपनी जिस तरीके की नीतियां हैं वहां की उनके कारण उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है और भारत ये चाहता है कि उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। और ये दबाव बनाने की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें एफएटीएफ काम करता है। 1995 में इसका कोई सेक्रेटरीट ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया एशिया पैसिफिक में। तो यहां तक हम लोग क्लियर हैं कि किसके लिए काम करेगा हमारा एफएटीएफ, मनी लॉन्डरिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्डरिंग। हम लोग एक सिस्टम क्या फॉलो कर सकते हैं इस ग्रुप में ताकि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, कोई भी स्टूडेंट पीछे बैठा ना रह जाए, चुपचाप ना रह जाए, हर स्टूडेंट में मतलब बराबर भागीदारी करे, इसके लिए क्या व्यवस्था हम खड़ी कर सकते हैं? उसके लिए आप खुद ही उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रोल नंबर वाइज, ताकि दूसरे व्यक्ति को इंटरफेयर ना करे और उनको भी मौका मिले, सबसे बेस्ट तो ये। सर उसके लिए सर स्टूडेंट अपना हैंड रेज करेंगे और सर आप जिसको चाहिए सर वो आंसर। सर रैंडमली नेम लेके आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, पर उसमें आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट रेस्पॉन्ड नहीं करते, उसको मेरे को कारण नहीं पता सर। और सर, मेरा ऐसा सजेशन है कि आप तो रोल नंबर वाइज सर हम चेक कर सकते हैं, क्या करेंगे अल्फाबेट के हिसाब से, जैसे 7 डेज में ए टू जेड के बीच में जो नाम आ रहे हैं ना, 10-10 करके या 15-15, 20-20 जो एक दिन में कि उनका नंबर होगा, एक दिन में उनका नंबर, इससे भी कर सकते हैं। रोल नंबर से भी कर सकते, मैं सोचता हूँ रोल नंबर से शुरू किया जाए ये एक्सरसाइज। सबसे पहला रोल नंबर सबसे पहले से शुरू करेंगे कि हम जो है T30, क्योंकि इसका एक सीक्वेंस है, लास्ट में 3600 पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर वापस 3000 पर आ जाएंगे, इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। तो पहले हम 50 स्टूडेंट से इस तरह से शुरू किया करेंगे, तो आप में से सभी लोग इसमें भागीदार करिए। देखिए मैं इसलिए क्या चाहता हूँ कि आप लोग क्लास करते हो, मैं ये मानता हूँ कि देखो हर स्टूडेंट आप में से अनोखा है, हर एक कोई कैपेबल है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कैपेबल ना हो, पर आपको आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा, मुझे आप पर विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपनी भागीदारी दिखानी पड़ेगी, आपको दिखना पड़ेगा कि मैं। और शर्माइए मत, ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, ये कोई बाहर का प्लेटफॉर्म नहीं है, आप यहाँ झिझकिए मत। अगर आप यहाँ भी झिझकेंगे, आप मेरे साथ भी झिझकेंगे, तो फिर बड़ी समस्या है, मुझे बड़ा दुख रहेगा, आप मुझे कष्ट पहुँचा रहे हैं इस झिझक से, तो आपकी झिझक मेरे लिए खतरनाक है, मेरे को बहुत अफसोस देती है। तो आप मुझे नहीं चाहेंगे कि आप मुझे दुख देना चाहेंगे, तो आप मुझे चाहेंगे कि मुझे अभी इस बात का दुख हो, तो आप पार्टिसिपेट करिए, गलत बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कभी इस बात को नहीं कहता कि कोई स्टूडेंट अगर कुछ गलत बोल देगा तो उसे सही ही बताना चाहिए, पर आप भाग लीजिए, आप जब भाग लेंगे तभी सीखेंगे। हेलो, हाँ हाँ सर, एक्चुअली ना मेरा एक सजेशन है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानते हैं, उसकी वजह से जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो ऑलरेडी अनम्यूट करके उनका आंसर प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से वो बच्चे तो आगे रहते हैं, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे,
तो भाविक है, जिसको आता है वो बताएगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि हर एक को आए। हाँ सर, लेकिन जो बच्चे अभी न्यू तैयारी कर, जो बच्चे अभी नई तैयारी कर रहे हैं ना, उन्होंने नहीं पढ़ा है, वो वजह से पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, तो अब उसका तरीका क्या? मैं इनके साथ सहमत हूँ, यही समस्या है, इसी का सॉल्यूशन ढूंढना है कि हमारा हर बच्चा उसमें भाग ले, ये चीज हमें इंश्योर करनी है। इसके एक तो ये काम ये करना है, आप सभी लोग पढ़ के क्लास ज्वाइन करिए, अटेंटिव रहिए क्लास के अंदर में, और फिर जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं आगे से आपके फोन नंबर दूंगा। हाँ जी बोलिए सर। ये कह रहे थे ब्लैक लिस्ट में अभी इस टाइम कौन कौन से देश हैं प्रेजेंट टाइम में ब्लैक लिस्ट में? सर नहीं, मुझे याद नहीं है यार, ग्रे लिस्ट में। आप गूगल करिए, दो मिनट में मिल जाएगा, ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज, FATF, ब्लैक लिस्टेड द कंट्रीज, ये सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, दो मिनट में मिल जाएगा। ओके सर। गूगल आपको बहुत इस्तेमाल करना है। हाँ, दो चीज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा, गूगल का इस्तेमाल कैसे करना है और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। किसी ने मुझे बोला भी था कि सर न्यूज़पेपर पर एक दिन चर्चा करिएगा, तो हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कोई एक स्टूडेंट काइंडली एक न्यूज़पेपर इकट्ठा करके रखे, ठीक है, एक हिंदू अखबार की जो सॉफ्ट कॉपी है वो रख के मुझे व्हाट्सएप कर दे पर्सनली, या ग्रुप में शेयर कर दे एक PDF फाइल, हिंदू अखबार रखिए, ठीक है? ओके सर। ओके चलो, अभी हम अपने सवाल पर आते हैं वापस, और मैं आपका कुछ रोल नंबर बोल रहा हूँ, वही रोल नंबर बोलेंगे, रोल नंबर T300 से लेके 50 तक, 3050 के बीच में मुझे कोई बताए अपना रोल नंबर, पहले बताएगा। इन 50 में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है, ये 50 नहीं है बेसिकली, इनमें बीच में मिसिंग है, तो इनमें से कोई अगर स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर इस रेंज में आता है, वो मुझे बताए FATF के फंक्शंस क्या काम है उसके। सर मेरा, मैं मंगेश, मेरा रोल नंबर 38 सर। बेसिकली इसको कॉम्बैट करना होता है मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिज्म फाइनेंसिंग से, एंड अदर रिलेटेड जो थ्रेट होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेटेड थ्रेट, उसे टेक ऑफ करती है। सर बेसिकली पेरिस में इसका वो बना हेड क्वार्टर है, और ये फॉर्मेशन हुआ था G7 नेशन के हेल्प से। एंड सर अगला, थैंक यू मंगेश, अगला कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा इसी ग्रुप में से, अगला कौन है? 3222 मेरा रोल नंबर है सर, ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट भी करती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? सर मनी लॉन्ड्रिंग इंस्टेंस की मैं किसी उसी को बोलने दें जिससे पूछा गया 30222 से, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है जो काला पैसा होता है, काला पैसा होता है उसको ये एक्टिविटी को रोकते हैं, जो टेररिस्ट फंडिंग वगैरह होती है उसको रोकते हैं, ब्लैक को वाइट करने करते हैं। ओके तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं? टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, टेरर फाइनेंसिंग क्या होता है? टेररिस्ट फाइनेंस वो होता है जैसे टेररिस्ट ग्रुप को कोई पैसा या आर्थिक मदद देता है, वो फिर अब ये बताओ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग एक ही बात है क्या? टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक ही बात है या अलग अलग बात है? सर अलग अलग है। अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है फिर? चलो ठीक है, तुमने बता दिया, मैं फिर भी इसको और इलेबोरेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से काफियों को अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग समझ नहीं आया होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग दोनों अलग अलग चीजें होती है। एक बात नहीं है, दोनों को ध्यान रखने की जरूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग पहले तो ये पता करते हैं ब्लैक मनी होती क्या है। ब्लैक मनी वो होती है ऐसा पैसा जो हमारे ऑफिशियल जो सरकारी मॉनेटरी सिस्टम से बाहर हो। कौन सा पैसा हमारा ऑफिशियल मॉनेटरी सिस्टम से बाहर हो सकता है? जो कैश ट्रांजैक्शन होती है,
हमने क्या किया, पैसा हमारे पास कैश है, नगद है पैसा, हमने वो नगद पैसे को इस्तेमाल किया। हम किसी भी कारण से ब्लैक मनी क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैक मनी को सबसे ज्यादा क्रिएट करने का कारण टेरर फाइनेंसिंग नहीं होता है, बल्कि टैक्स इवेजन होता है। हम क्या चाहते हैं, टैक्स से टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। सबसे कॉमन कारण ब्लैक मनी जनरेट होने का कारण होता है टैक्स की चोरी। हम चाहते हैं कि टैक्स ना देना पड़े। टैक्स ना देना पड़े तो हम क्या करते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि भाई ये चीज आप हमें नगद में दे दो और टैक्स मत काटना। वो भी तैयार हो जाता है कि ठीक है सामान बिक रहा है, पैसे तो मिलेंगे, प्रॉफिट आएगा, तो वो भी सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमने वो सामान ले लिया, उसने पैसे ले लिए। अब उसने पैसे ले लिए परंतु उसने अपनी बुक्स में सेल नहीं दिखाई है, क्योंकि अगर वो सेल दिखाएगा तो टैक्स दिखाना पड़ेगा। तो वो टैक्स सेल नहीं दिखाना चाहता है, और वो सेल ना दिखाने के लिए अपने अकाउंट में उस सेल को, उस पैसे को रखेगा नहीं। उस पैसे को रखेगा नहीं तो बैंक में जमा नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक में जमा करते उसे बताना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया, तो वो उस टैक्स नेट से बाहर हो जाएगा। ऐसे में उसको दो तीन तरीके के फायदे हैं दुकानदार को, जैसे जीएसटी है तो वो जीएसटी पे नहीं करेगा, है ना। हमने 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा और उसने कहा कि ठीक है आप ऐसे ले जाओ, जीएसटी मत देना। ये हम आमतौर पर बहुत करते हैं। तो 10,000 का खरीदा, 1,000 रुपये जीएसटी पे करना था, उसने कहा कि सब ऐसे ले लो और टैक्स जीएसटी मत देना, आपको सस्ता पड़ जाएगा। हमने भी खरीद लिया, हमने 10,500 का खरीद लिया, अन्यथा 11 का खरीदना पड़ता। अब उसको पड़ा 10,000 रुपये का, अब वो उसमें से 1,000 रुपये का जो टैक्स है वो बचा लेगा, प्लस में वो जो डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो उसकी टोटल सेल होगी, जो टोटल प्रॉफिट बनेगा, उस पर उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी वो बचा लेगा। तो ऐसे में टैक्स चोरी के लिए सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का सृजन होता है, परंतु खाली टैक्स इवेजन ही ब्लैक मनी का सृजन नहीं करता। इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो इसका सृजन करते हैं, जैसे कि जितना ऐसी इंडस्ट्री है जो दो नंबर के धंधे हैं, जिनको हम दो नंबर का धंधा कहते हैं, जैसे किडनैपिंग, चोरी चकारी के जितने काम हैं, अब लोग फिरौती के लिए किडनैपिंग करते हैं, रैंसम के लिए किडनैपिंग करते हैं, या ह्यूमन जो वो है, ह्यूमन सेल करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे व्यापार में जो पैसा आता है, पैसा तो आता ही, जो ड्रग बेच रहा है इसलिए थोड़ी बेच रहा है कि उसको कोई चैरिटी करनी है, वो ड्रग्स इसलिए बेच रहा है उसे पैसा कमाना है, पर वो जो पैसा आता है, वो जो पैसा उसे मिलता है, उसे बैंक में जमा नहीं कर सकता। तो ये सब तरीके हैं ब्लैक मनी के क्रिएट होने के। इस सब से जो क्रिएट होता है वो ब्लैक मनी क्रिएट होता है। अब जब ब्लैक मनी क्रिएट हो गया, कैश पैसा आपके पास है, कैश पैसे की अपनी कई सीमाएं हैं और कई सारे रेस्ट्रिक्शन इसके लिए किए जा रहे हैं कि लोग जो है कैश पैसे को हैंडल ना कर पाए। आज के समय में आप ज़्यादातर चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, सारी पेमेंट ऑनलाइन करनी है, तो आपको अल्टीमेटली ये पैसा किसी ना किसी तरीके से बैंक में जमा करना है, या आप मान लीजिए दूसरे देश भेजना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं, तो ऐसे सब कामों के लिए आपको ये जो कैश पैसा है, जो ब्लैक मनी है, उसको वाइट करना होता है। ठीक है, तो ब्लैक मनी आपको ऐसा नहीं कि कहीं मिल घूमती हुई दिख जाएगी कि भाई देखो वो काले रंग के पैसे जा रहे हैं, वो ब्लैक मनी है, नहीं ऐसे नहीं होते। वो भी नोट ऐसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल नोट होते हैं। ठीक है, उन्हीं वही नोट जो है ब्लैक मनी बन सकते हैं, वही वाइट हो सकते हैं। तो उस पैसे को जब बैंकिंग चैनल में, यानी कि ऑफिशियल मॉनिटरी सिस्टम में जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और इसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग, काले पैसे को सफेद करना। किसी और दिन इस पर चर्चा कर लेंगे कि ये किया कैसे जाता है, ये कर कैसे सकते हैं, अगर आपको ये आदमी करना चाहे तो कर कैसे सकता है, करते कैसे हैं। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी है, एक इसको रोकना है FATF का काम, ML एक्टिविटी को, इसके बाद टेरर फाइनेंसिंग को, क्योंकि ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। चाहे उसे वाइट से पैसा आ रहा है, ब्लैक से पैसा आ रहा है, पर ये खतरनाक पैसे का इस्तेमाल है। इसके अलावा अदर फाइनेंशियल थ्रेट भी हो सकती हैं, जैसे ये ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इन सब के लिए जो पैसा हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसे रोके जाने की आवश्यकता है।
तो इसके लिए हमारी कौन सी संस्थान काम करती है? FATF। अगली संस्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है G20। ठीक है, G20 हमारे G7 का एक्सटेंशन है। G7 में 13 और देश मिला दिए जाए, तो 7 देश हमने याद कर लिए थे ना, 7 हमने याद कर लिए थे, कौन कौन से थे 7? अब वो 13 कौन से देश जोड़ने हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। ये 13 इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ये ऑलरेडी इमर्ज्ड इकोनॉमीज है, ये इमर्जिंग इकोनॉमी है जो अभी नई आगे बढ़ रही है। तो हम 13 सर, हम रशिया को लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज में यूज नहीं बोलते, लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी नहीं, नहीं खाली बोलने की बात नहीं है। देखो अब तुम्हें किसी से दोस्ती करनी है या नहीं करनी है वो भी हो सकता है लीडिंग हो, बट एक एक ब्रॉड तरीके से डिफाइन किया गया है कि लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज। हाँ, रशिया उस तरीके से उस कैटेगरी में पूरी तरह से फिट होता भी नहीं है, और इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं है कि कोई फ्रेमवर्क हमने बना रखा है, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो फिट होगा वही G7 का सदस्य हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये दोस्ती है, अब किसी से आप दोस्ती नहीं, ये 7 लोग किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है ना। एक ग्रुप, जैसे आप लोगों का लड़के लड़कियों का कुछ ना कुछ ग्रुप होगा, अब उसमें कोई और एक नया बच्चा ऐड होना चाहता है घुसना चाहता है, अब ये आपके ग्रुप की मर्जी है कि आप उसे ऐड कराना चाहो नहीं कराना चाहो, चाहे वो अदरवाइज कुछ भी फिट हो, पर आपने अपना एक तरीका। तो ऐसे ही ग्रुप 7 है, ये नहीं अपने को एंटरटेन करता रशिया को, रशिया के साथ कुछ कुछ पॉलिटिकल विवाद है इन देशों के, यूरोप के देशों के और तो इन देशों को ऐड करके, इन इमर्जिंग इकोनॉमीज को ऐड करके ये बन जाता है 13 इकोनॉमीज को, जिसमें रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, मैक्सिको है, चाइना, इंडोनेशिया एंड ईयू एक अलग सदस्य है। ठीक है, तो इनको मिला के बन जाता है G20। G20 इनके साथ मिलकर बन जाता है। इसके फिर अलग अलग ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं G20 में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US एंड सऊदी, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। इसके अंदर में ये फर्दर ग्रुपिंग है जो इस G20 के भीतर होती है। स्पेन इसका एक परमानेंट गेस्ट है, मेंबर नहीं है, बट इट इज अ परमानेंट गेस्ट ऑफ G20 समिट, हमेशा इनको आमंत्रित किया जाता है। ये काम करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, कि हमारा जो अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाय रोटेशन सिस्टम इनमें से मेंबर कंट्रीज में से चुने जाते हैं। G7 मीटिंग के साथ ही G20 मीटिंग होती है, पहले होती है G7 मीटिंग, जो G7 देश है उनकी मीटिंग होती है, फिर उसके अगले दिन होती है G20 की मीटिंग। हमारे जो G20 मीटिंग है इसके 2 चैनल हैं। G20 मीटिंग में 2 तरीके से हम अपनाते हैं, एक है फाइनेंस चैनल, एक रेगुलर चैनल जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट यानी कि RBI गवर्नर, भारत के RBI गवर्नर और उनके अदर सेंट्रल, उनके काउंटर पार्ट और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और अदर काउंटर पार्ट, वो मिलकर बनाते हैं फाइनेंस चैनल। इसके अलावा इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है जिसको शेरपा चैनल बोलते हैं, और ये नॉन फाइनेंशियल इश्यूज को कवर करते हैं। ठीक है, G7 या G20 का मूल उद्देश्य है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फाइनेंशियल चीज़ों को मॉनिटर, वो करना, रेगुलेट करना, फाइनेंसिस को नियमित करना,
परंतु फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। अगर नॉन फाइनेंशियल इश्यूज गड़बड़ा जाएंगे तो फाइनेंशियल इश्यूज अपने आप गड़बड़ाएंगे। पॉलिटिक, इसमें हम काम करते हैं पॉलिटिकल कमिटमेंट के लिए, करप्शन के अगेंस्ट, डेवलपमेंट के लिए, जेंडर इक्वेलिटी और ट्रेड एंड एनर्जी के लिए, इन सब विषयों पर काम किया जाता है शेरपा चैनल में। शेरपा क्यों नाम रखा है इसका? शेरपा कौन होता है? जो शेरपा होता है हमारे जो नेपाली से रिलेटेड जो माउंटेनियरिंग में हेल्प करते हैं। जब एवरेस्ट पहाड़ पर लोग चढ़ते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए लोग जाते हैं ऊंचे पहाड़ों पर, तो हर कोई व्यक्ति जो इवन जैसे नेपाली जो टर्म है वो भी वहाँ पर फेल हो जाएगा। नेपाल के लोगों में भी एक खास समुदाय है जिसको शेरपा बोलते हैं। शेरपा लोग बहुत ऊंचाई पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर नॉर्मली जन्मते हैं, वहीं पर पैदा होते हैं, वहीं पर पलते बढ़ते हैं। तो वो और उन पहाड़ों पर रहने के लिए उनका शरीर उस तरीके से वेल एक्लिमेटाइज होता है, पूरी तरीके से अनुकूलित होता है, उसके कारण वो वहाँ पर उन पहाड़ों पर सर्वाइव कर पाते हैं। तो उस पर उसके लिए जो है हमारे ये शेरपा साथ जाते हैं। आप जितने भी पहाड़ पर जो माउंटेनियरिंग के लिए लोग जाते हैं, तेंजिंग उनके साथ गया था, सबसे पहला एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की थी? हेनरी, क्या नाम था सबसे पहले एवरेस्ट की चढ़ाई? एडमंड हिलरी सर। एडमंड हिलरी, तो एडमंड हिलरी के साथ कौन गया था? तेंजिंग शेरपा नॉर्गे। हाँ, तो तेंजिन जो था वो एक शेरपा था, तो वो शेरपा उसको मेनली ले गया। बिना उसके जो जो एवरेस्ट की चढ़ाई है वो नहीं हो सकती। तो बेशक वो मुख्य पर्सन नहीं है, परंतु मेन कॉन्ड्यूट है। बिना इनके, बिना शेरपा के हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे G20 का मैकेनिज्म है, फाइनेंस चैनल एंड शेरपा चैनल, कि हम अदर इश्यूज पर भी साथ साथ ध्यान रखें, डेवलपमेंट पर, करप्शन पर, जेंडर इक्वेलिटी पर, ट्रेड एंड एनर्जी पर, इन सब के लिए हम इन पर ध्यान रखें। सर असाइनमेंट बता दीजिए 10 बजे। हाँ अभी बता देते हैं, 10 अभी बजे नहीं है, बताते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद ये उस टाइम का इसका अपडेट है। 2022 में भारत जो है G20 समिट को होस्ट करेगा, पहली बार भारत 2022 में इसको होस्ट करेगा, G20 को होस्ट करेगा भारत। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है जिसको हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये ग्लोबल हेल्थ इश्यूज पर भी टारगेट करता है। इस मीटिंग में 2019 में जो मीटिंग हुई थी, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज पर बात हुई, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर बात हुई, किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्या इश्यू है, इस पर हम लोग किसी और क्लास में हम चर्चा करेंगे। अब हमारे साथी ने हमें बोला है कि हम असाइनमेंट पर बात कर लें, ठीक है, 10 बज गए हैं, उन्होंने सही समय पर हमें सूचित किया। देखो असाइनमेंट हमारे कैसे काम करते हैं, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सभी स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे कि असाइनमेंट क्या है, उसमें क्या करना है हमें। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं वो प्लीज़ उसे कर लें, और जो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, यू विल फोर्स मी टू टेक सम एक्शन दैट आई डोंट वॉन्ट, ठीक है। आप मुझे बाध्य करेंगे कि कुछ ना कुछ कार्यवाही की जाए, क्योंकि जो बिल्कुल नॉन सीरियस, नॉन सिंसियर स्टूडेंट हैं, मैं उनके साथ कम से कम मुझे ये कहना है कि शायद मैं अपना समय नहीं जाया करना चाहूँगा। मेरे पास आपके लिए सहानुभूति है, पर आपके लिए और कुछ नहीं है सहानुभूति के अलावा। मैं आपके साथ सिंपथाइज कर सकता हूँ। तो मुझे कैसे असाइनमेंट करना है? असाइनमेंट के लिए सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। कोचिंग में लॉगिन करिए, ठीक है। कोचिंग का लॉगिन अगर सभी को पता होगा, अगर अभी भी कोई ऐसा रह गया है जिसके पास अपना स्टूडेंट लॉगिन नहीं है, वो यहाँ लॉगिन करे। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर नई ऐड हुई हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नंबर 1 स्टूडेंट लॉगिन है, इस पर लास्ट में आता हूँ।
एक ये है कि टेलीग्राम चैनल, मैंने अपने सारे पुराने स्टूडेंट्स को बोला है कि हम अपने हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें शायद पुराने भी बच्चे हैं, नए भी हैं, और आप में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ स्टडी मटेरियल शेयर करना चाहते हैं, परंतु वो किस में करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर करते हैं, जिसको मैं हाईली डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य केवल और केवल कम्युनिकेशन है, आपको मुझे कुछ सूचित करना है या मुझे आपको कुछ सूचित करना है, केवल उसके लिए, और पर्सनल मैसेज आपको वहाँ नहीं करने, परंतु फिर भी स्टडी मटेरियल या अदर कॉन्टेक्ट हमारे लिए काम आ जाते हैं। तो मैं सबको एनकरेज करता हूँ कि आप ये टेलीग्राम चैनल यूज़ करिए, इसमें आपका मटेरियल एक तो हमेशा पड़ा रहता है, जब चाहे जो चाहे वो उसे एक्सेस कर सकता है। तो यदि आप अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली इस टेलीग्राम चैनल को यूज़ करिए। अगर आपको मटेरियल चाहिए या मटेरियल शेयर करना है, दोनों के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, अगर किसी स्टूडेंट को दीप कोचिंग को फॉलो करना है कि क्या नए प्रोग्राम आ रहे हैं, क्या नया कोई कोर्स आ रहा है, तो वो इस फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकता है। यहाँ लगभग सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है, कोई भी नई चीज़ होती है तो फेसबुक पेज पर दी जाती है, तो इसलिए आप इस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मेरा सभी से, मैंने वैसे बोला भी था, आप में से काफ़ियों ने नहीं किया है अभी, मैंने सबसे ये कहा था कि आप दीप आईएएस कोचिंग को एक बार रिव्यू ज़रूर करिएगा। तो आप में से जिसने दीप कोचिंग को रिव्यू नहीं किया, रिव्यू मतलब कि आप हमें जो भी रैंक देना चाहें, आपको जो लगता हो, विचार आपको समझ आता हो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो साथी जिनको नहीं पता, उन तक ये सूचना पहुंचेगी कि हाँ, हम यहाँ पर जाकर अपने लिए कुछ बेहतर भविष्य खोल सकते हैं। तो ये रिव्यू करने का एक्सरसाइज है, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर ये रिव्यू का वो बटन खुल जाएगा, आपके नाम से खुलेगा, आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहें, स्टार देना चाहें, वो स्टार दीजिए, और जो भी आप मैसेज अगर अपने साथ के, अपने नए स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले समय के स्टूडेंट के लिए छोड़ना चाहें, तो वो आप यहाँ पर छोड़िए। मैं इंसिस्ट करूँगा कि सभी, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो ये रिव्यू ना करे, ठीक है। आपको सभी को रिव्यू ज़रूर करना है। आपको अगर लगता है कि आप सहमत नहीं हैं तो आप असहमति दिखा दीजिए, अगर आपको ये चीज़ की कोई शिकायत है, और शिकायत है तो मैं ये इंसिस्ट करूँगा कि आप पर्सनली बताएं तो अच्छा रहेगा, ताकि इस कोचिंग को और बेहतर किया जा सके। और अगर आप अच्छा एक मैसेज छोड़ेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है किसी बच्चे के ये काम आए, आपके मैसेज को पढ़कर किसी को पता चले कि हाँ, ये एक चीज़ है, मेरे लिए काम आ सकती है। तो मैं इस इंस्टीट्यूशन को एक परमानेंट स्ट्रक्चर चाहता हूँ कि हमेशा एक लेगेसी रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, परंतु ये एक लेगेसी बनी रहे, एक शिक्षा की एक ऐसी लेगेसी जहाँ पर हम वंचित बच्चों को बिना पैसे के पढ़ाई करा सके। आज जो कमर्शियलाइजेशन हो गया है एजुकेशन का, कि बिना पैसे, जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ नहीं सकता, वो बहुत ही गलत है, जिसको बदलना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, जो कि जो मोटो भी है कोचिंग का, कि एजुकेशन इज़ अ राइट, हर एक का अधिकार होना चाहिए, किसी का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, सामने वाले के पास पैसे नहीं हैं, तो मैं उसका अधिकार छीनूं, ये निहायत गलत है। तो इसे बदलने में कोचिंग अपनी तरफ से काम कर रही है। कोचिंग का एक चैप्टर नीट कोचिंग भी है, जहां प्री मेडिकल के लिए काम करती है, तो वो एक अलग चैप्टर है। पर मैं यहां, आप लोग अपना मैसेज भेजेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय के बच्चों के लिए। अब आते हैं असाइनमेंट पर। ये हमारा स्टूडेंट लॉगिन है, मैंने स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक किया, मेरा स्टूडेंट लॉगिन पेज जो है वो खुल गया। तो ये मेरा स्टूडेंट लॉगिन पेज है, मेरा पासवर्ड, और यहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है, अगर आपने रजिस्टर ना किया हो तो। वैसे सबने रजिस्टर कर लिया होगा, पर फिर भी यदि किसी ने रजिस्टर नहीं किया है तो आप अपने को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी, और अपना ईमेल आईडी सही डालिए, आप में से कुछ लोग ईमेल आईडी गलत डालते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन, बहुत सारा कम्युनिकेशन ईमेल के माध्यम से भी होगा, तो अगर आप ईमेल गलत डालेंगे तो आपके पास कोई मैसेज नहीं पहुंचेगा। अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था वह सेट करिए। पासवर्ड आपको खुद बनाना है,
आईडी आपको खुद बनाना है, ये आपको ध्यान रखिए। केवल आपको यहाँ हमारी तरफ से रोल नंबर के अलावा किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी के पास रोल नंबर ना हो तो वो मांग सकता है, इसके अलावा कोई और चीज़ आवश्यक नहीं है। बाकी आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपको बनाना है। ये बनाने के बाद आप लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद इस ऐप को हम और ज़्यादा डाइवर्सिफाई और बढ़ाने की कोशिश है कि इसको और अच्छा किया जाए, और बेहतर किया जाए, ज़्यादा यूजेबल किया जाए। तो ये हमारा लॉगिन पेज स्टूडेंट का आ जाता है। यहाँ आपका नाम और रोल नंबर लिखा हुआ आता है कि ये आपका रोल नंबर है। यहाँ जब टेस्ट शुरू होंगे आपको, तो आपको यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। जो क्लास है आप यहाँ से ज्वाइन करते हैं। आप सभी को अपनी क्लास केवल और केवल यहाँ से ज्वाइन करनी है। लिंक की मांग नहीं करनी है, लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाइए, बस इस बटन को दबाइए, आपकी क्लास चालू हो जाती है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लिंक आया। आप 8 बजे अपनी क्लास क्लिक करिए, वो हो जाएगी। संडे की क्लास 9:15 बजे बाई डिफ़ॉल्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि संडे 8 बजे एक कार्यक्रम है जिसको सशक्तिकरण संवाद बोलते हैं, और वो कार्यक्रम मैं चाहता हूँ एज एन स्टूडेंट आप लोग भी शामिल कीजिए, होइए। उसमें हम तथागत बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, और अन्य नैतिकता और अन्य इश्यूज़ पर बात करते हैं। तो आप लोग जुड़ें, अच्छा आप लोगों के लिए भी रहेगा। यहाँ से हमारा प्रैक्टिस टेस्ट शुरू होता है। इस पर आखिर में ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है। प्रैक्टिस टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, यहाँ पर मैंने एक वीडियो ऐड किया है। हर एक उसमें एक वीडियो का चैनल रहेगा। जैसे ये जितने इंटरनेशनल अफेयर्स के जितने वीडियोस हैं वो यहाँ पर लिंक में डाले गए हैं, जितनी क्लासेस हुई हैं। तो अगर किसी आप क्लास को रिव्यू करना चाहते हो, आपकी क्लास कभी मिस भी हुई है, तो यहाँ इस प्लेलिस्ट को खोलकर, इस प्लेलिस्ट में अभी 10 वीडियोस हैं, ठीक है। आप कंटिन्यूसली डेट वाइज जितने जितने रिकॉर्डेड हैं वो वीडियोस यहाँ आते जाएंगे। आप यहाँ जाकर सारे वीडियोस को रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक दोबारा से देखना है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। आपका अभी 10 हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। हर सब्जेक्ट का आपको इस तरीके का एक प्लेलिस्ट मिलता जाएगा, आप सब्जेक्ट वाइज उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप दोबारा देखना चाहते हैं वो दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ये जो नीचे बटन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर, ये टेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। यहाँ आप अपने क्वेश्चंस को, जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आप जो क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस को बार बार करें, बार बार ट्राई करें, आप समझें, है ना। यहाँ जल्दी नहीं है, पर फिर भी 1 मिनट का समय रखा गया है, 1 मिनट, ताकि आप सवाल को पढ़ें और उसको उत्तर करें। यहाँ सवाल हमारा है, इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के तरीके का वर्णन करने वाले गलत बयान को चुनें, कौन सा इनमें से गलत है। सुरक्षा परिषद में सुरक्षा, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, ऑल सिक्योरिटी एंड पीस रिलेटेड इश्यूज आर डेल्ट विद सिक्योरिटी काउंसिल। ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय मेन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज एजेंसीज स्प्रेड अक्रॉस ग्लोब, having consensus among 5 permanent member on security issues is vital for implementation. गायब हो गया, ऑप्शन बी टी ऑप्शन। अगर हम 1 मिनट के अंदर सवाल नहीं करेंगे तो हमारी स्क्रीन से गायब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये एक ट्रिगर चल रहा है। The members of General Assembly are automatically the member of all other principal organ and specialized agency of UN. इसमें से कौन सी statement गलत है? Option D. Option D. अब हमने ये चीज दिनों में, ठीक है, तो ये चीज सीखी है, ये हम इसे क्लिक करते हैं। इसके साथ वो हमें फिर इन्फॉर्म करता है कि आपका आंसर सही था या गलत था। एस्केप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ पर है हेडक्वार्टर? डी, बैंकॉक। बैंकॉक, 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 बैंकॉक।
आपको वो आपका उत्तर सही है गलत है बता देगा कि आपका उत्तर सही है. Which of the following is not a member of SAARC? Myanmar. यहाँ पर जो जैसे मैंने पिछला सवाल किया था मेरा कहना ये है इसका ऑप्शन का क्या आंसर है इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो अबाउट द वीटो पावर यूजेस दिस पावर ये सेक्रेटरी जनरल की पावर नहीं होती है. इसमें कोई क्वेश्चन अब जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्यों रिपीट हो रहा है ये इसलिए रिपीट हो रहा है कि कहीं आप तुक्के से तो अपना आंसर सही नहीं कर रहे. कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता बैंकॉक पर हमने डी डी लग रहा है डी भर देते हैं पर अगली बार जब आप दोबारा क्वेश्चन दिखेगा आप डी नहीं मार्क करोगे कुछ और मार्क कर दोगे. अब मान लो मेरे को नहीं याद था कि बैंकॉक है या मनीला है लेट्स से ठीक है मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था अगली बार मैं क्या करूंगा इसे मनीला मार्क कर दूंगा. मनीला मार्क करते ही ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा. अगर मैं किसी क्वेश्चन को लगातार कई बार सही करूंगा दो तीन बार सही करूंगा तो वो मेरी स्क्रीन पे आना है. अब जैसे ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है इसका आंसर है डी ठीक है द मेंबर्स आर ऑटोमेटिकली मेंबर. इसमें 10 क्वेश्चन अभी आएंगे ये डी. आपकी जो है वो 100% करेक्ट होनी चाहिए ठीक है ये आपको चांस नहीं देता है कि कुछ क्वेश्चन जरूर से ज्यादा रिपीट कर रहे हैं ये मैं इसे चेक करा ज्यादा रिपीट कर रहे हैं इतना रिपीट नहीं करने चाहिए. अब ये एक नया क्वेश्चन आ गया मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बी बी बी. अब ये मेरा स्कोर बोर्ड आ गया यहाँ टोटल मैंने कितने क्वेश्चन किए कितने सही किए कितने गलत किए. मैंने एक क्वेश्चन वो जान के जो गलत किया था मनीला वाला वो इनकरेक्ट हो गया मेरा फाइनल स्कोर यहाँ पर बता दिया. और साथ साथ वो ये मुझे बता रहा है कि आपने कौन कौन से ये इस एक्सरसाइज में इन 10 क्वेश्चनों में हमारे 2 क्वेश्चन परमानेंटली उसने रिकॉर्ड कर लिए लर्न कर लिए कि आपने ये क्वेश्चन सही कर लिए आपको ये क्वेश्चन आते हैं इसीलिए वो कह रहा है. ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंज होने की जरूरत है कि क्वेश्चन नंबर 27 एंड 24 आर करेक्ट यू हैव लर्न दीज क्वेश्चंस. और जो क्वेश्चन वो आपको याद कर लेता है कि आपने क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं उनको अगले बार जब आप इसको दोबारा से री अटेम्प्ट करते हो तो वो आपको नहीं दिखाएगा. अब वो क्वेश्चन नहीं दिखाएगा जो आपने कई बार सही किया था ठीक है जो हमने क्वेश्चन सही किया था जो वो वाला था जिसमें था कि मेंबर्स ऑटोमेटिकली दूसरे उसके एजेंसी के सदस्य बन जाते हैं वो क्वेश्चन अब हमें नहीं दिखेगा. वो क्वेश्चन सर ये कि सर ये असाइनमेंट एक ही बार करना चाहिए या बार बार रीस्टार्ट डिस्टार्ट करें. इस असाइनमेंट को आपको तब तक करना है जब तक आपके आंसर पूरी तरह से यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा. जब मैं ये एक्सरसाइज पूरी कर डालूंगा तो मेरे स्क्रीन पर क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा. कोई स्टूडेंट एक बार दिखा देगा कि कैसे वो आ जाती है ऑप्शन. तो जब ये क्वेश्चन गायब तब यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखना बंद हो जाएगा. फिर आपकी वो असाइनमेंट कंप्लीट यानी कि आपने जितने क्वेश्चन अपलोड किए गए थे वो क्वेश्चन आपने सारे लर्न कर लिए. कुछ बच्चों ने जिनका रिजल्ट 100% है उन्होंने वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से मेमोराइज कर लिए हैं वो क्वेश्चन उनको याद है. अब वो क्वेश्चन अगर उनको कोई पूछेगा वो गलत नहीं करेंगे. ये भी कर सकते हैं आप इस एक्सरसाइज को करते समय साथ साथ अपनी किताब खोल लें अपने नोट्स खोल लें. आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव मोर वेटेज फॉर इंडिया प्रपोजल फॉर ये तो अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है टेक योर टाइम और उसको रीड देन यू शुड गो फॉर दैट आंसर. डी इसका आंसर डी है पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि किसी भी सवाल को अगर आपको नहीं तो आपको ये 3-4 दिन में हर तीसरे चौथे दिन में 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे. एक नया लॉट ऑफ 20 क्वेश्चन इज रेडी. सर जैसे हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट मतलब हमें दोबारा मिल जाएगा सर असाइनमेंट का.
दोबारा करेंगे जब नए क्वेश्चन आएंगे तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जिन्होंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अब उनकी स्क्रीन पर कोई और नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर जब आपके नए क्वेश्चन आ जाएंगे, नया असाइनमेंट आ जाएगा तो आपको नए क्वेश्चन दिखाई देंगे। पर जो स्टूडेंट असाइनमेंट टाइम से नहीं कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि उनके क्वेश्चन इकट्ठे होते जाएंगे। पहले 30 क्वेश्चन थे, अभी 20 और ऐड हो गए, 50 हो गए। अब आपको 50 करने हैं, फिर अगले राउंड में 20 और ऐड हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे, फिर ये एक्सरसाइज आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो आपको इसे साथ के साथ ख़त्म करने हैं। हर एपिसोड में, हर प्रैक्टिस सेशन में 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन वो लर्न नहीं करेगा, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा कि आपने 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं लेगा। तो आपको ये एक्सरसाइज उतनी बार रिपीट करनी है ताकि वो क्वेश्चन गायब हो जाए, अन्यथा आपका असाइनमेंट आधा अधूरा पड़ा रहेगा और फिर आप ये असाइनमेंट आगे पूरा नहीं कर पाएंगे। अब अगर असाइनमेंट संबंधी किसी का कोई सवाल है तो अब आप पूछिए अपने सवाल को। सर ये क्लास के बाद डेली करनी है? रेगुलरली करना है आपको, जितने क्वेश्चन है उनको खत्म करना है, स्क्रीन से अपनी गायब करना है जब तक कि वो गायब ना हो जाए सारे क्वेश्चन। आप एक दिन में सारे कर दो, 3 दिन में सारे करो, वो आपकी चॉइस है। आपने मान लीजिए आज 10 क्वेश्चन लर्न कर लिए, वो आपकी स्क्रीन पे बताता जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चन अभी लर्न कर लिए, फिर अगले राउंड में आपने इतने और ऐड कर लिए। अभी जैसे मैं 20 क्वेश्चन और इसमें ऐड करने वाला हूँ तो 20 क्वेश्चन वो 2-2, 4-4 करके आपको दिखाएगा। आप एक दिन में सारे कर लो, प्रेफरेबली एक दिन में मत करो, 2-3 दिन में करो। आज आपने 8-10 क्वेश्चन कर लिए, फिर अगले दिन 8-10 कर लो, हो गए खत्म, ठीक है। इस एक्सरसाइज का फायदा ये है कि आपकी जो कंसेप्ट, जो एमसीक्यू होते हैं ना, एमसीक्यू की फंडामेंटल प्रॉब्लम ये होती है कि एमसीक्यू आप ABCD करके कुछ भी तुक्का लगा सकते हो। या तो पेपर हो रिटर्न वाला, जो मेंस का पेपर होता है लिखित, उस लिखित में आपको 100% श्योर होना होता है, आप ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते। पर MCQ में एक बड़ी गड़बड़ ये होती है कि आप कुछ भी लगा दो, या तो गलत होगा या सही होगा। आप आंसर जरूर कर सकते हो कुछ ना कुछ, पर ये चीज आपको हेल्प करेगी आपको डेवलप कर। आपका असाइनमेंट तब पूरा हो सकता है जब आपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से लर्न कर लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम, किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए। बढ़ सकते नहीं तो? समझ नहीं पा रहा है मैं, अगर कोई सवाल कुछ कह रहा है तो। सर मैंने अपना लिया है तो क्या आज ही 20 क्वेश्चंस अपलोड होंगे? आज होंगे, अभी अपलोड नहीं हुए हैं, आज होंगे। अगर आपने कर लिया तो अभी आप रुकिए, जैसे ही अपलोड होंगे आई विल सेंड अ मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप कि नए क्वेश्चन अपलोड हो गए, यू कैन ट्राई दैट। और आप लोग ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को क्वेश्चन ना समझ आए, आंसर ना समझ आए, तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, उसे अपनी कॉपी, फिर उसको रीड करो, पढ़ो, किताब पर जाओ और पर रीड कर लो। बहुत आवाज है, बाकी बच्चे म्यूट करना है। आपको ये करना है कि आपको जाकर खुद से टेस्ट करना है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा, आप उस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर उसे रीड कर लीजिए अच्छी तरीके से। एक एक्सरसाइज करते समय आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन में आपको 5 आ गए, तो जो 5 आ गए वो तो ठीक है, उनको तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, उन 5 को आप नोट कर लो, फिर गूगल करो, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो कहीं से या मुझसे पूछो, तो आप उनको फिर 5 को समझो, याद करो भाई ये 5 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं UPSC में कभी ना कभी आए हैं, UPSC के पैटर्न के क्वेश्चन हैं, तो वो कभी कभी आए हैं। मैं पिछले 5 साल से लगातार इस क्वेश्चन बैंक को डेवलप कर रहा हूँ, तो ये लगातार क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको कर लेंगे तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको ये समझ आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो आप लोग सोच लीजिएगा अगर कोई और सवाल हो। 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 10:30 में हम दोबारा से रीजॉइन करेंगे, ठीक है। आप लोग मीटिंग को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 10:30 में मैं एग्जैक्टली आपके पास दोबारा से ज्वाइन करूंगा।
हेलो यस सर यस सर यस सर यस सर चलिए शुरू करते हैं फिर से टॉपिक यस सर होपफुली किसी को असाइनमेंट रिलेटेड सवाल अब कोई और नहीं बचा होगा सभी को जो असाइनमेंट संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर होंगी यस सर ये तो जी सर वो तो क्लियर है चलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए बोल लेते हैं आप अभी तक हाँ यार व्हाट्सएप ग्रुप तुम में से कोई जिम्मेदारी ले लो तुम लोगों को दे देता हूँ तुम लोग बनाओ ओके सर लिस्ट बनाता हूँ आज और लिस्ट शेयर करता हूँ तुम लोगों को और देता हूँ ओके सर आई विल डू इट सर ठीक है चलो हम लोग अब सर अभी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वाला अकाउंट का मेल नहीं आया सर तो अभी लॉगिन में प्रॉब्लम आती पीसी में करना पड़ेगा लॉगिन की प्रॉब्लम अच्छा हाँ चलो ये भी अच्छा याद आपने तुमने समय से दिलाया आज मेरे पास रिलेटिवली थोड़ा समय है तो अगर आप में से किसी के पास टीम्स आईडी वाला प्रॉब्लम देखो टीम्स आईडी अलग है सबको बताया भी है मैंने कि टीम्स आईडी अलग है तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आईडी चाहिए कोचिंग का आईडी की कोई जरूरत है नहीं वो आपको खुद ही क्रिएट करना है खुद ही रजिस्टर करना है पर अगर किसी के पास टीम्स का आईडी नहीं है तो मुझे आप अपनी अटेंडेंस के साथ एक मैसेज भेजेंगे कि सर मैंने इतनी क्लासेस सारी अटेंड करी हैं और मैंने ये असाइनमेंट पूरा किया है या जितना किया है उतना आप मुझे लिख के भेजेंगे कि सर मेरी अटेंडेंस इतनी है मेरी असाइनमेंट की स्टेट ये है और काइंडली मुझे जो है अलाउ किया जाए मेरे को आईडी दी जाए तो अगर आपकी अटेंडेंस सेटिस्फैक्ट्री है आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो मैं आप सभी को आईडी दे दूंगा जिनके पास नहीं है जिनके पास है वो अपना करते रहे ठीक है तो ये दो चीज के साथ रिक्वेस्ट भेज देना आज संडे है मैं अभी घर पे हूँ तो मैं आज ये काम आपके जितने भी आपके कोचिंग रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनको कंक्लूड कर दूंगा ठीक है सर मेल ही करना नहीं मैसेज करना व्हाट्सएप मैसेज करना पर्सनल ग्रुप में कोई मैसेज मत करना पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज 8368672562 केवल इसी नंबर पर करना ठीक है सबके पास ही मेरा नंबर है अच्छा आगे हम अच्छा न्यूज़पेपर अभी देखना है क्या कोई बोल रहा था न्यूज़पेपर के लिए एक हम पढ़ लेते हैं यस सर न्यूज़पेपर बता न्यूज़पेपर पढ़ना है पंद्रह मिनट में लास्ट में न्यूज़पेपर देखते हैं क्योंकि पढ़ाई भी डेली कम से कम कुछ हो जाए 11:15 तक ये क्लास खत्म करनी है तो कुछ टॉपिक्स खत्म कर लेते हैं फिर लास्ट में ध्यान दीजिएगा 11 बजे एग्जैक्टली 11 बजे इसको खत्म कर देंगे 15 मिनट केवल न्यूज़पेपर पर बात करेंगे थोड़ा बहुत गूगल सर्च पर बात कर लेंगे ठीक है अच्छा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अगला जो टॉपिक है G20 के बाद है वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ठीक है जो गल्फ के कंट्रीज हैं उनकी जो 6 गल्फ कंट्रीज हैं उन खाड़ी के देशों का एक संगठन रीजनल क्षेत्रीय पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है इन 6 खाड़ी के देशों का ठीक है खाड़ी कौन सी है किस खाड़ी की बात की जा रही है मिडिल ईस्ट अरब ये जो खाड़ी है इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको साथ साथ देखना है ये जो खाड़ी है ये जो खाड़ी है गल्फ मिडिल ईस्ट ना पर्शियन गल्फ भी बोलते हैं इसको तो ये गल्फ के आसपास के जितने देश हैं उनके उन 6 देशों की ग्रुपिंग है जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल कौन कौन से देश है बहरीन कुवैत ओमान कतर सऊदी एंड यूएई देखते हैं इसमें ओमान यूएई बहरीन सऊदी और कतर ईरान और इराक इसमें नहीं है ठीक है तो ये 6 देशों को मिलाकर हमारी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल काम करती है हेडक्वार्टर इसकी सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में है रियाद जो राजधानी है सऊदी अरेबिया का उसके उसकी राजधानी है और ये यूनियन है जो एनर्जी रिच क्योंकि ये सब ऐसे देश हैं जिनके पास पेट्रोलियम के भंडार हैं तो इन पेट्रोलियम के भंडारों के कारण ये देश अमीर देश हैं तो ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ये इसी के आधार पर काम करती है
इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अगला संगठन जीसीसी के बाद हम बात कर रहे हैं ओआईसी की। ओआईसी, ओआईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1969 में बनाया गया, 57 देश हैं, हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरेबिया है, और इसका उद्देश्य है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, तो जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के अपने हितों को सेफगार्ड करना, उसके इंटरेस्ट को बचा के रखना, और आपस में दुनिया के साथ में एक वैश्विक शांति और सद्भावना को विकसित करना, ये इस ओआईसी का काम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। 57 सदस्य देश हैं, 1969 में बनाया गया और जिद्दा इसका हेडक्वार्टर है। भारत को इसको 2019 में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला संगठन जिसको हम जीसीसी ओआईसी के बाद पढ़ रहे हैं वो है ओपेक। हमने क्या क्या पढ़ लिया? जीसीसी, ओआईसी एंड ओपीईसी। ठीक है, तो ओपीईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ओपेक। ओपेक क्या है? ऐसे देश जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादातर दुनिया के देश पेट्रोलियम के इंपोर्टर हैं, ज्यादातर देश। क्यों? क्योंकि सभी देशों में इनके भंडार नहीं है। ठीक है, इनके भंडार कुछ ही देशों में ही, क्योंकि एक हमारी धरती की, कुदरत की एक तरीके से फॉसिल फ्यूल है, और जो कि कुछ ही स्थानों पर मिलते हैं। तो जिन स्थानों में, जिन देशों में ये पर्याप्त मात्रा में है और इतनी मात्रा में है कि वो दूसरों को बेच सके, तो ऐसे देश पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स हैं, नेट एक्सपोर्टर्स हैं। और ऐसे 14 देशों का ये संगठन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं? ये पेट्रोलियम पॉलिसी को बनाना, आपस में एक यूनिफाइड पेट्रोलियम पॉलिसी बनाना, और मार्केट में ऑयल के प्राइसेस को स्टेबल रखना, मार्केट में पेट्रोलियम की सप्लाई को मेंटेन करना, रेगुलर सप्लाई बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, और एक तरीके की नीति, एक ही यूनिफाइड नीति रहे, और जिससे कि इनको स्टेडी इनकम बनी रहे और अपने जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न मिलती रहे। तो इस काम के लिए ये काम करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ये ऐसे देशों का, ऐसे 14 सदस्य देशों का संगठन है जो पेट्रोलियम के नेट एक्सपोर्टर, नेट निर्यातक है, कुल निर्यातक हैं, दुनिया में पेट्रोल को निर्यात करते हैं, इनके पास तेल के बड़े बड़े भंडार हैं, ये 14 देश हैं। और ये 14 देश चाहते हैं कि जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म रहे, मार्केट में कीमतें पेट्रोल की स्टेबल रहे, सप्लाई पेट्रोलियम की नियमित रहे, और उनकी अपनी आमदनी बनी रहे। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि म्यूचुअल कंपटीशन से आपस में ये एक दूसरे को बचाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबके पास तेल है नहीं, केवल इन्हीं देशों में, और भी देशों के अलावा पास है इनके अलावा, पर ये देश ये चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें कि आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करें, और कॉम्पिटिशन में अच्छा ये 10 रुपए का, जैसे सब्जी हम जब खरीदने जाते हैं तो एक सब्जी वाला कहेगा कि जी मैं 20 रुपए किलो टमाटर बेचता हूँ, तो दूसरे वाला ज्यादा टमाटर बेचना चाहता है, वो कहता है जी मैं 15 रुपए किलो ही बेच दूंगा। अब दूसरे वाला देखता है कि अरे यार इसमें तो 20 से 15 पर आ गया, मेरी तो बिक्री हो नहीं रही, तो वो 15 की बजाय 12 पर आ गया, उसने कहा कि मैं 12 रुपए किलो टमाटर बेच दूंगा, तो 12 पे आ गया, तो अगला 10 पे आ गया। तो इस तरीके का एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रेस ना बने, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली दोनों को नुकसान होगा। तो ऐसे में
जो मार्केट में सेम व्यापार करने वाले लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर कि भाई एक ही प्राइस रखेंगे सभी लोग, कीमतें एक ही रखेंगे, जो सप्लाई है प्रोडक्शन की लेवल है उसको मेंटेन करेंगे, ना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना कम प्रोडक्शन करेंगे, जिससे एक तो मार्केट में प्राइस की स्टेबिलिटी रहेगी, सप्लाई की स्टेबिलिटी रहेगी और हमारी इनकम की भी स्टेबिलिटी रहेगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वियना में है। इसके सदस्य देश हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गेबन, अंगोला, इक्वाडोर, इक्वाटोरियल गिनी एंड कॉन्गो। तो ये तो अफ्रीका के नेशन हो गए, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबन, अंगोला भी शायद उसी में है, ठीक है, कॉन्गो, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं। गल्फ के ये देश ज़्यादातर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे वो भी इसके सदस्य हैं, जिसमें ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ये सभी देश ऐसे देश हैं जो तेल के उत्पादक देश हैं। इसके अलावा वेनेजुएला, ये जो वेनेजुएला यहाँ पर नॉर्थ साउथ अमेरिका में वेनेजुएला है, यहाँ पर नाइजीरिया है, इक्वाड अंगोला ये आ गया, ये अंगोला है, कॉन्गो है, नाइजीरिया है, ऊपर लीबिया है, ये सभी देश इस संस्थान के जो है ओपेक संस्थान के भागीदार हैं और ये मिलकर एक साथ काम करते हैं। पूरी दुनिया का करीब 42% तेल का उत्पादन ये 14 देश करते हैं और इन 14 देशों के पास दुनिया का 73% ऑयल रिजर्व इनके पास है, मतलब ऐसा ऑयल रिजर्व जो तेल निकाला जा सके, जो तेल के कुएं हैं 73% तेल के कुएं मोटे तौर पर इनके पास हैं और दुनिया का करीब 42% उत्पादन यही देश करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। सर एक क्वेश्चन था, पूछिए। सर नाइजीरिया जो है वो तो बहुत देश गरीब है सर, किसके करीब आप बता? नाइजीरिया देश बहुत गरीब है पर आप बता रहे हैं कि वो उसमें पेट्रोलियम की मतलब खान इसके नेट एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है। सर फिर क्यों ये गरीब है इतना? गरीब क्यों है? देखो गरीबी खाली रिसोर्स होने से भी नहीं होती है, अगर ऐसे देखा जाए तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसे कह सकते हैं हीरो का क्या बोलते हैं उसे, मतलब कई कीनिया है, कई देश ऐसे हैं जिसमें बड़ी बड़ी संख्या में हीरे हैं, बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो खाली नेचुरल गोल्ड का रिजर्व बहुत है सर, है ना, गोल्ड है, बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स तमाम तरीके के वहाँ पर बहुत है अफ्रीका में और अनएक्सप्लॉयटेड हैं जो अभी तक नहीं किए गए, पर खाली नेचुरल रिसोर्स हो जाने से कोई देश अमीर नहीं बन जाएगा। उन रिसोर्सेज का सही प्रकार से दोहन, उनका सही प्रकार से बेचना, अब जैसे हीरे वो कौड़ियों के दाम पर बेच देते हैं, हीरा जो होता है वो कौड़ियों के दाम पर बेच देते हैं बाहर दूसरे देश के लोग, क्योंकि उनके यहाँ अपने यहाँ हीरा बनाने की तराशने की कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्स जिसके पास हो वो अमीर भी हो, जैसे हम भारत का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत भी नेचुरल रिसोर्सेज में और खासतौर में मैं सबसे बड़ा जो रिसोर्स मानता हूँ वो मैन पावर है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन पावर, मतलब दूसरे नंबर की दुनिया की बड़ी मैन पावर है जो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, पर क्या हम अपनी मैन पावर का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अगर हम अपनी मैन पावर का इस ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल सही करें तो शायद हम दुनिया को में पहला नहीं तो दूसरा तीसरा देश तो बना ही सकते हैं, पर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं। वंचित समाज की बात करें, वंचित समाज के पास बहुत रिसोर्स होता है, ऐसा नहीं कि वो रिसोर्स लेस होता है, बस उसको अपना रिसोर्स पता नहीं होता कि मेरा रिसोर्स क्या है। हम जिसको वंचित समाज कहते हैं वो गरीब है, पर ऐसा नहीं कि उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास संसाधन होते हैं पर उसको अपने संसाधनों की खुद कीमत नहीं पता होती, खुद नहीं जानता कि मेरी कितनी कीमत है, है ना। हम अपनी योग्यता को खुद नहीं पहचानते, हम अपनी योग्यता को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। अगर हम में से हर कोई मेहनत करे, अच्छा काम करे, और ऐसे परिवार हैं, मतलब भारत के अंदर ही ऐसे ऐसे गांव भी हैं, परिवार हैं जिसमें एक एक परिवार के अंदर में से 5-5 IAS ऑफिसर बड़े बड़े अधिकारी हैं,
गांव में ऐसे हैं जिनमें बड़े बड़े अधिकारी और बड़े लोग हैं, वो कैसे बन पाए? केवल उन्होंने अपने संसाधन अपनी योग्यता को पहचानी, तो वो अपने संसाधनों को पहचानते हैं। ये थोड़ा चर्चा थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी, पर एक समुदाय है ट्राइबल एसटी समुदाय में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, परंतु उनके अच्छी योग्यता है कि उन्होंने पहचाना। हम उनको नकारात्मक तरीके से देखते हैं, परंतु राजस्थान के वो जो समुदाय है ट्राइबल, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, पर सभी ट्राइबल्स एक जैसा नहीं कर रहे हैं। कुछ ही ट्राइबल लोग अच्छा कर पा रहे हैं, उनमें से अधिकांश देखिए आप अधिकारियों में आपको दिखाई देंगे, है ना मैं नहीं लेना चाहता, पर वो क्यों इतने आगे बढ़ पाए हैं? क्योंकि वो संसाधनों को अपने पहचानते हैं। अगर आप उनके गांव, वो ऐसा नहीं कि बहुत अमीर है, उनके परिवार बहुत अमीर है, परंतु वो ये देखते हैं कि अरे यार मेरे आसपास मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा वो जो है वो बन गया, मैं भी पढ़ाई करूंगा, ऐसे है ना लोग। वहाँ के मीना लोग काफी आगे निकल गए, मीना लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हम दूसरे तरीके से उनको कोस सकते हैं कि अरे ये तो सारी सीट ले जाते हैं। अरे ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? आप क्यों नहीं ले लेते? आपको मना तो करता नहीं है, आप भी ले लो, पर आप क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि संसाधनों योग्यता की कदर नहीं करते, आप उसे वेस्ट कर देते हो। आप दारू पीने में और तमाम बुराइयों में लिप्त रहते हो, अपने समय को जाया करते हो, फालतू टीवी, यूट्यूब वीडियो और ये सब इधर उधर की नकारात्मकता में रहोगे तो कैसे आपकी योग्यता, आप अपनी योग्यता को या तो अच्छी दिशा में ले जा सकते हो, सकारात्मक दिशा में, या नकारात्मक दिशा में, लड़ने झगड़ने में लगा सकते हो। तो ये हमारा भी आउटलुक होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एज एन सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल अपनी अपनी योग्यता को पहचानते हैं। और मैं एक बात जरूर कहता हूँ, मैं इसी बात का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर भी हूँ, जब भारत आज से 400-500 साल पहले इतनी बड़ी शक्ति हो सकता था, आज क्यों नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं एज एन पीपल हम फेल हो रहे हैं, एज पब्लिक हम फेल होते हैं, तो एज अ पीपल हम फेल होना बंद कर देते हैं। अच्छा, हम चर्चा पर चले गए। हमारा जो पेज है, प्रॉब्लम ये है सर, जो दूसरों की प्रॉब्लम को हम अपनी प्रॉब्लम नहीं समझते, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन पे चर्चा नहीं करते, अभी हमारा जो काम है वही करते हैं। हमारा जो ओपेक है वो हर साल एक रिपोर्ट ए पब्लिक करता है एनुअली, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, ठीक है, कि दुनिया में तेल की अभी स्थिति है क्या, आउटलुक क्या है, तो उस पर ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने अब तक पढ़ लिए, जो सेकेंड सेशन है उसमें कई ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, जीसीसी, जीसीसी इज गल्फ कॉप, कितने देश है इसके अंदर, सिक्स। अगला हमने पढ़ा था ओआईसी, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, 57 सदस्य देश हैं, और इस्लामिक, जो इस्लाम वर्ल्ड है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और इंटरनेशनल पीस और हार्मोनी के लिए काम करना। फिर हमने ओआईसी के बाद ओआईसी सपोर्टिंग है ना अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान इज इन अ बिग क्राइसिस एंड दिस शुड सपोर्ट देम। अरे अभी टॉपिक पर है, देखो जनरल चर्चा करना ना, ये ध्यान रखना, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए जनरल चर्चा बहुत हो सकती है, एंडलेस चर्चा हो सकती है, इससे भी अपने आप को कभी कभी रोक लेना चाहिए, अपने को कॉन्शियसली हमें रोकना चाहिए कि नहीं यार हम चर्चाओं में नहीं जाते, हम समझते हैं, अभी हम समझ रहे हैं प्रॉब्लम्स को, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ओपेक हमने पढ़ा था, एफटीए हमने सुबह, एफएटीएफ पढ़ा था, G20 पढ़ा था, G7 पढ़ा था, ये सभी हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, एक आधा और कोई भी रह गया होगा, ठीक है। ओपेक में 14 पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। अगला जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। OECD 18 देशों के साथ, काइंडली अपना माइक्रोफोन बंद करिएगा, 18 यूरोपियन देशों के साथ, जिसमें कनाडा और यूएस बाद में शामिल हुए, इनके साथ मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्रयास शुरू किया गया। अभी इसमें 36 या कुछ और एक्स्ट्रा नेशंस होंगे, नंबर्स प्लीज मैं देख लेना। देखो मैं ये बता देता हूँ, मुझे इसे कहने में कोई शर्म नहीं है, तो कभी मुझे कोई वो मत करना, ये नोट्स 19-20 के हैं,
अभी अपडेट नहीं किए, करने चाहिए मुझे पर मैंने नहीं किए हैं, और मैं इसलिए भी नहीं कर पाया हूँ कि इसमें बहुत अंतर पड़ता नहीं है, 26 से 37 हो जाते हैं, कभी 35 रह जाते हैं, फिर भी आप इन नंबर्स को चेक कर लेना, जनरली इन पे सवाल आते भी नहीं। 38 है सर, 38 है। हाँ, अब ये वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया है, तो आप मुझे बाद में ये मत कहना कि सर वहाँ तो 36 लिखा हुआ था, हमने 36 लिख दिया। नंबर एक, यूपीएससी में ये सवाल आता भी नहीं है, मैंने कभी ऐसे सवाल नहीं देखे। यूपीएससी में ज़्यादातर सवाल आपके कंसेप्चुअल आएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, या आएगा तो करंट में से कुछ आएगा, मान लो कोई करंट मेंबर ऐड हुआ, कोई करंट मेंबर डिलीट हुआ, तब आ सकता है, तब ये नंबर वाला सवाल आ सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। 38 मेंबर हैं और इसमें कुछ नए देश, ये मैक्सिको, चिली, तुर्की, ये भी ऐड हुए, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है OECD, और एक ये प्रोग्राम करता है पीसा नाम का प्रोग्राम, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है दुनिया में। पीसा नाम का इसका एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जिसके जरिए से वो बच्चों के एजुकेशनल असेसमेंट को असेस करता है दुनिया के, और उसके अलावा उनको स्कॉलरशिप वगैरह, खासतौर में हमारे लिए भी काम आ सकता है, स्कॉलरशिप को अरेंज करने की कोशिश करता है जो इंटरनेशनली स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। और बाकी ये इसकी रीसेंट डेवलपमेंट है, रीसेंट डेवलपमेंट में बाकी सब हम स्किप करेंगे, हम ये की बात कर लेंगे GAAR का, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल बेसिकली GAAR, ये भारत में भी डायरेक्ट टैक्सेस के संदर्भ में इशू आता है GAAR, और ऐसा मैकेनिज्म होता है कि हमारे जो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने व्यापार को इस तरीके से फैलाती हैं, इस तरीके से दिखाती हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिससे कि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े, जिससे कि जहां उनको टैक्स देना है वहां टैक्स ना देना पड़े, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इस तरीके से मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस हेडक्वार्टर ऐसे दिखाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, आप टैक्स अवॉइडेंस, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्सेशन में दो टर्म यूज होते हैं, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन होता है सीधा सीधा चोरी, टैक्स की चोरी, तो ये पूरी तरह से गैरकानूनी है, आपके इससे ये सजा हो सकती है। परंतु दूसरा काम होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स के रूल बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग टैक्स के रूल्स होते हैं, तो आप ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हो जिससे कि आप लीगली टैक्स ना दे पाओ, टैक्स देने से बच जाओ, टैक्स को अवॉइड कर पाओ। अब इससे टैक्स अवॉइड करने से जो कंपनी है या व्यक्ति है उसकी तो आय बढ़ जाती है, उसको तो इनकम बढ़ जाती है, उसको टैक्स कम देना पड़ता है, पर गवर्नमेंट की एज एन सरकार की नौकरियां, सरकार के पैसा पास पैसा कम आता है, तो सरकार इस टैक्स अवॉइडेंस पर चेक रखने की कोशिश करती है, और उसी का ये हिस्सा है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, कि कैसे हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमारे कॉर्पोरेट जो है ये जो आंकड़ों की हेर फेर करके अपने टैक्स को ना बचा सके। इसके लिए OECD सर काला धन को ये रोकथाम करेगा सर? नहीं, ये काला धन का नहीं, ये इलीगल नहीं है, ध्यान रखिएगा, टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट इलीगल, वो कानून का तोड़ नहीं रहे हैं। देखो ऐसे है, जैसे कि मान लो मैं व्यापार करता हूँ, है ना, या आप व्यापार करते हैं, आप व्यापार करते समय क्या करते हैं, आपको भी आप क्या चाहेंगे व्यापार करते, कम से कम आपको टैक्स देना पड़े, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इसका एक सिंपल तरीका, जैसे आपने भारत में एक कंपनी खोली, भारत में आप कंपनी खोल के व्यापार करते हैं, एक अप्रैल 2017 को इंडिया में लागू किया गया था सर इसे, तो उसमें सर उसमें मतलब जो है आप ही पढ़ा दो, क्या नाम आपका डियर, आप पढ़ा दें, आप टॉपिक ले लें काइंडली, आप पढ़ा दें, सॉरी सर काइंडली, इतना भी यार इतना तो मेरा भी रिगार्ड कर लो, नहीं तो आप लोग अपनी कोचिंग, मतलब आप लोग चाहें तो आप लोग वो ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
अगर आप में से किसी को लगता है कि आप मतलब कर सकते हैं तो यू कैन वेरी वेल गो थ्रू, है ना। बट एक बेसिक डिसिप्लिन होता है किसी भी कॉलेज स्कूल का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, उसे मेंटेन करते हैं। हाँ, तो हम लोग जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल की बात कर रहे थे, इनकी ज़रूरत क्या होती है। बेसिकली होता ये है कि हम मान लीजिए हमारा व्यापार है इंडिया के अंदर में, हम इंडिया में व्यापार करते हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं। इंडिया में अभी का जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो कितना चल रहा है? किसी को आइडिया है कॉर्पोरेट टैक्स का रेट कितना है अभी? पहले सर 22%, पहले 30% था, भारत में घटा के 22% अभी इसको किया है, ठीक है। तो हमने 22%, पहले 30% भी होता था एक समय पर, अभी 22% कर दिया। उसी तरह से अब अगर भारत में आप व्यापार करेंगे, आपने एक कंपनी खोली, एक कॉर्पोरेट कंपनी चलाई, और उस कंपनी ने जो भी उसके प्रॉफिट होगा उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? आज की तारीख में 22% टैक्स उसको देना होगा, प्लस सरचार्जेस कुछ होते हैं। परंतु कुछ लोग क्या करेंगे, वो भारत की कंपनी है, भारत में व्यापार है, परंतु उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या करें, अगर मैं कहूँ मैं सिंगापुर में कंपनी खोल देता हूँ, वही बिजनेस है, और मैं कहता हूँ कि मेरा मैं मल्टीनेशनल कंपनी हूँ, सिंगापुर में मैंने अपना ऑफिस खोल दिया उसी कंपनी का, है वो एक ही सेम ही बिजनेस, सब कुछ सेम है, पर अब मैंने हेडक्वार्टर अपना सिंगापुर शिफ्ट कर दिया, या और भी टैक्स हेवन कंट्रीज है वहाँ शिफ्ट कर दिया, जहाँ की मेरा कॉर्पोरेट टैक्स रेट 5% है, कहीं कहीं 0% भी है, मुझे श्योर नहीं है कि सिंगापुर का 5% है या नहीं, पर काफ़ी कम है। कई देशों में जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है वो बहुत कम है, कई जगह जीरो भी है, जिसको हम टैक्स हेवन बोलते हैं। ऐसा डेनमार्क में? हाँ नहीं, डेनमार्क नहीं, और देशों में। तो अभी हम 0% टैक्स देते हैं। अब अगर मेरा मैंने अपना जो भी व्यापार किया और उस कंपनी को मैंने सिंगापुर में अगर रजिस्टर करा दिया, तो मैं 22% की बजाय मैं कितना टैक्स दूंगा? 5%। अगर मैं किसी और टैक्स हेवन में चला गया तो 0% दूंगा। अब क्या मैं ये कहूं कि नहीं मेरा हेडक्वार्टर सिंगापुर में, तो किसी को कोई आपत्ति हो सकती है, कोई इलीगेलिटी है इसमें? मैंने कंपनी लीगली खोली है, सिंगापुर आपको अलाउ करता है, कोई भी इंडियन, कोई भी किसी भी देश का नागरिक सिंगापुर में जाके अपनी कंपनी खोल सकता है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। आप एक स्पेस हायर करो, मत भी हायर करो, तब भी आप वहाँ कंपनी खोल सकते हो। तो अगर ये कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी जहाँ चल रही थी वो चालाक है, या जो भी उसको कहा वो टैक्स नहीं देना चाहता, वो अपना रजिस्ट्रेशन इंडिया ना करा के सिंगापुर करा लेगा, तो उसको इतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। हमारा टैक्स डिपार्टमेंट इसको रोकने की कोशिश भी करता है, परंतु लोग उसके भी लूपहोल्स ढूंढते रहते हैं, कैसे हम कम से कम टैक्स दे पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये व्यापार करते हैं, ये काम करते हैं। अभी रिसेंटली सर वोडाफोन वाला केस है सर, किसी तरीके से हमें ऐसे नियम बनाने हैं जिससे कि टैक्स अवॉइडेंस ना हो पाए। ऐसे नियमों को हम बोलते हैं GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ताकि हम अपने इस प्रकार के टैक्स अवॉइडेंस को रोक सकें। तो ये काम हम इसमें करते हैं। मैं एक टॉपिक और ख़त्म कर देता हूँ आज जल्दी से, IAEA छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद फिर हम जो है अगले उस पर जो अपना न्यूज़पेपर वाला चर्चा है और गूगल सर्च वाला चर्चा है उस पर बात करेंगे। अगला ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हमने पहले पढ़ा था IAEA। IAEA क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। खाली एटॉमिक एनर्जी है IEA, ये प्योर एनर्जी है, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो OECD के फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करता है। इसका उद्देश्य है कि जितने एनर्जी इश्यूज हैं, यहाँ पर केवल एटॉमिक एनर्जी है, पर हमें एनर्जी और भी बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है, जैसे थर्मल एनर्जी, हमारे को पेट्रोलियम सोर्सेज से एनर्जी मिलती है, हमारे को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी मिलती है। तो जो ऐसी सारी एनर्जी का, जिसमें ऑयल है, गैस है, कोल है, कोयला है, उसकी डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, एनर्जी एफिशिएंसी, एक्सेस टू एनर्जी, डिमांड साइड मैनेजमेंट, इन सब के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन IAEA
IAEA ये काम करती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ताकि दुनिया भर में हम एनर्जी के लिए एक बेटर आउटलुक, क्योंकि दुनिया के इंडस्ट्रियलाइज हर काम के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता है, तो वो एनर्जी का आउटलुक बेटर रहे जो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ऊपर की तरफ लेके जाए। और इसकी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमेशा ये कई कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें देती है। तो एक इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इससे अगर हमें ये पता करना है कि दुनिया में इस समय एनर्जी की पोजीशन क्या है, हमारी एनर्जी की आवश्यकताएं क्या है दुनिया की या किस देश की, तो हम इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा की वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ये भी ये जारी करता है IEA, इसका ये कार्यक्रम है ओशियन एनर्जी सिस्टम सिस्टम्स टेक्नोलॉजी कोलेबरेशन प्रोग्राम, जिसके द्वारा हम ओशियन की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एक और ये कार्यक्रम है एडवांस्ड मोटर फ्यूल टेक्नोलॉजी कोलेबरेशन प्रोग्राम, जो एडवांस फ्यूल है, हम जो फ्यूल्स यूज करते हैं उनसे बेहतर एडवांस फ्यूल क्या क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए काम करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसी से एक और जुड़ा हुआ इंटरनेशनल एनर्जी फोरम है, ठीक है, ये 70 देशों का एक कॉमन फोरम है। मैंने शायद ये चर्चा आप लोगों से कर ली थी कि फोरम क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो एक फोरम है जहाँ हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, ठीक है। इसमें IEA के देश हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, ओपेक के देश हैं जो की लीडर हैं, और बाकी अलग अलग देशों के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं वो 70 कंट्रीज इस इंटरनेशनल एनर्जी फोरम में शामिल हैं। अगली क्लास में हम ये चर्चा करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके ऊपर हम लोग फिर आगे बातचीत करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे न्यूज़पेपर की, ठीक है, किसी ने मुझे न्यूज़पेपर भेजा है, हाँ किसी ने भेजा हुआ, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं, हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अखबार कैसे पढ़ना है, ये हम सब के लिए एक बड़ा इशू है, और इस डिस्कशन को आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। सॉरी सर, फॉर ये सिर्फ ऑडिटोरियल वाला न्यूज़पेपर है, दूसरा ले लो आप। अच्छा, ये वो है, ओके ओके, कौन सा है, कहाँ पर मिल जाएगा मुझे? अच्छा, ये थोड़ा ऊपर। अच्छा, मैं एक तो आपसे ये कहूंगा कि रॉ पेपर पर जाइएगा, ठीक है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन के बजाय हमें रॉ पेपर पर अपने आप को फोकस करना चाहिए कि हम एक बार में रॉ पेपर फोकस करें, मतलब कि जिस फॉर्म में वो हमें मिला है, तो ये दिख लेगा, ठीक है। अब सबसे पहला अखबार को कैसे पढ़ना है, अखबार को सबसे पहला पढ़ने से पहले भी ये सवाल हमें पूछना है कि हमें अखबार पढ़ना क्यों है, व्हाई, क्यों पढ़ना है हमें अखबार? दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके लिए रिलेवेंट क्या है, आपको पढ़ना क्या, रीडिंग अखबार से हमें ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, अभी दुनिया में चल क्या रहा है, आज के समय में रिलेवेंट चीजें क्या क्या चल रही हैं, ठीक है। इररिलेवेंट चीजें अगर हम 1960 के दशक का, जैसे हम अभी प्लानिंग कमीशन को पढ़े हैं या 5 ईयर प्लानिंग को पढ़े हैं, जो चीज बीत गई है वो बीत चुकी है, उनका ठीक है एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होता है, परंतु अगर आज मुझे ये जानना है कि मुझे क्या क्या जान लेना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे ये अखबार बहुत सहायता करता है। इसकी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, ठीक है, ये तो बताएगा आपको कि आपके लिए क्या काम का है, काम की चीज क्या है, पर इसकी सीमाएं भी हैं, याद रखिएगा। इसकी सबसे पहली सीमा ये है, ये आपको सारी जानकारी नहीं देता, ये केवल और केवल आपको इमीडिएट जानकारी देता है,
जो तुरंत होने वाली घटना होगी उसके बारे में बता देगा, उसकी बैकग्राउंड कुछ नहीं बता सकता ये आपको, इतना उसका काम नहीं है, वो न्यूज़पेपर है, उसका काम है आपको सिर्फ आज के समय की चीज को अपडेट कर देना कि अभी अफगानिस्तान में ये हुआ, पर वो क्यों हुआ अफगानिस्तान में, ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी फैक्ट शीट क्या है, वो आपको नहीं बताएगा, वो केवल आपको आज के समय की चीज घटना बता देगा, तो आपको वो बैकग्राउंड नहीं देता, और बिना बैकग्राउंड के आपको ये जानकारी इकट्ठी करने का फायदा भी नहीं होता। तो आपको आखिर में ये बहुत थोड़े हद तक हमारे को, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाए क्या रिलेवेंट है, तब हम उसका करंट अपडेट, आखिर में हम इसका करंट अपडेट हासिल कर सकते हैं, पर करंट अपडेट बिना बैकग्राउंड जाने यूजलेस होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये देख लेनी है कि अखबार हमें पढ़ना क्यों है, अखबार हमें रीडिंग के लिए नहीं पढ़ना कि हमें पढ़े जा रहे हैं उसे पढ़ना है, दूसरा अखबार कितना समय पढ़ना चाहिए, कितना समय पढ़ना चाहिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मेरी समझ से 45 मिनट से ज्यादा आप अखबार मत पढ़िएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं। अगर पुराने हैं और आपको सारी चीजें पता है, जो रिलेवेंट इश्यूज है, आपको जीसीसी पता है, आपको ओईसीडी पता है, ये सब चीजों की बैकग्राउंड पता है, क्योंकि बैकग्राउंड तो चेंज होगी नहीं, वो तो फिक्स है, आपको पता है क्यों बनाया गया था जीसीसी, ओईसीडी, G7 की कहानी क्या है। अब जो पुराने स्टूडेंट हैं वो 1 से 1.25 घंटा तक इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें पढ़ते समय भी हमारा जो फोकस जो है प्री के लिए कम होता है, तो जब तक आप प्री की स्टेज में फंसे हुए हैं, जब तक आप प्री क्लियर नहीं कर रहे हो, तब तक आपके लिए न्यूज़पेपर पर बहुत समय वेस्ट करना, आपको यहीं अटके रहना चाहिए 45। जब मेंस पर जाओगे तब ये ज़्यादा रिलेवेंट होता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे, क्योंकि मेंस में आपको अपडेट करना है, इंटरव्यू में आपको टीचर को अपने इंटरव्यू को बताना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैं सारी नई चीज़ों के बारे में जानता हूँ। तो प्री की स्टेज में हमारे लिए न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट है, पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना बाद में होने वाला है। तो अभी प्री को पास करने के लिए हमारे को रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन और उतना ज्ञान हासिल करना है जिससे हम फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर जाएं। अब आपके पास है 45 मिनट, केवल मैक्सिमम 45 मिनट, इन 45 मिनट में आपको ये पूरा अखबार पढ़ना है। अगर आप इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, 45 मिनट बहुत कम समय होता है ध्यान से पढ़ने समझने के लिए। पहला न्यूज है अमिड, न्यूज कोई आपको छोड़नी नहीं है, कम से कम आपको 2-3 पेज ध्यान रखने होते हैं इसमें। पहले पेजों पर बात कर लें कि कौन कौन से पेज हैं। पहला पेज नो डाउट जो ये क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइंस, फर्स्ट पेज के हेडलाइंस आपको 100% पढ़ने हैं। अगला पेज, अभी पहले पेज पर बात कर लेते हैं फिर पेज के बाद आएंगे, हेडलाइन पेज आपको अच्छे से पढ़ना है, सिटी पेज आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला पेज आपके किसी खास काम का नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, आपका ये समय ही खराब करेगा, सिटी पेज जस्ट इग्नोर इट, डोंट रीड। सिटी पेज में कभी कभार रेयरली कोई काम की खबर मिलेगी, ये सिटी पेज सेकंड वाला आ गया, ठीक है, तो इसमें भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है किस किस डॉक्टर को इन्होंने पद्मा अवार्ड के लिए दिल्ली सरकार ने रिकमेंड किया है, तो अब हम इसको जानने की क्या क्या करेंगे, ठीक है, हम किस क्या करेंगे हासिल कि हमें ये जानकर क्या पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्टर्स का या क्या क्या एक्शन हुए, तो ये अगला हमारा काम हुआ। उसके बाद अब जैसे आशा वर्कर्स, ये भी हमारे काम का नहीं है, कैबिनेट ने क्या किया, ये क्लासिफाइड पेज तो ऑब्वियसली बेकार है। साउथ, ये पेज में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, जो आपका हेडलाइन होगा ना, उस पेज में आपको जनरली जो खबर हेडलाइन भी मिलेगी वो नॉर्दर्न इंडिया की मिलेगी, परंतु यूपीएससी एग्जाम ऑल इंडिया का होता है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज इम्पोर्टेंट लग रही है कि जो काम की है, अगर वो जनरल बस न्यूज़ है तो उसे छोड़ दीजिए, पर कभी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कोई स्कीम से रिलेटेड है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। फिर ये वाला छठा पेज जो होता है न्यूज वाला, इसमें थोड़ा सा आपको देखना है हेडलाइंस को दोबारा, और हमारे को सारी जितनी फैक्चुअल हेडलाइंस है, जैसे इंडिया ब्रॉड पीपल होली बुक्स, ये हम देख सकते हैं, एक राजेश राम मे बी न्यू बीसीसी चीफ नहीं,
बाघेल गेट मैसिव वेलकम इन रायपुर, नहीं रावत मीट राहुल, ये बकवास न्यूज हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। प्रोब एजेंसी फॉर वेदांता, ये नहीं पढ़नी है। फिर ऐसी न्यूज पढ़नी है जिसका हमारा नेशनल इंपैक्ट होता है। ये सब फालतू कहानियों का, पॉलिटिकल कहानियों का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। गुजरात टू कॉन्टेस्ट स्टे ऑन कन्वर्जन लॉ, इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि कन्वर्जन लॉ हमारे काम का है। इशू पुलिस बैटन चार्ज, ये हमारे किसी काम का नहीं है। सिक्योरिटी अपग्रेड लेड टू सम इंटरप्शन, ये भी बेकार है। अब ये वाला न्यूज, ये सर ये तो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा ना कि कौन सी न्यूज बेकार है कौन सी नहीं है, जैसे आपको पता चल जा रहा है, हमें शायद नहीं पता चल पाएगा इतनी जल्दी। किसी को भी पता चल सकता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा चलो, एक मैं बताता हूँ, वापस आता हूँ, सुनो ठीक है, मेरे को टाइम दो थोड़ा सा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया ब्रॉड पीपल होली बुक्स, ठीक है, इसके एक रिलेवेंस, एक लॉन्ग टर्म रिलेवेंस हो सकती है। अब एक मुझे ये बताओ, बाघेल ने रायपुर में एक बड़ी रैली की, ये क्या किसी भी तरीके से यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है? इसका कोई नेशनल हो सकता है? नो सर, किसी तरह से कोई सोच पा रहा है कुछ भी कि कोई रिलेवेंस हो सकती है हमारे लिए? कोई रिलेवेंस है इसकी? ये न्यूज पब्लिक के लिए काम की हो सकती है, नेताओं के लिए काम की हो सकती है, हमारे लिए? हमें एज एन सिविल सर्विस एस्पिरेंट सोचना है, यार मेरे को यूपीएससी का एग्जाम लिखना है, मुझे कोई राजनीति पार्टी में थोड़ा शामिल होना है कि मुझे पता रहना चाहिए कौन क्या कर रहा है। ये उसके लिए काम का होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी के बाकी लीडर्स, बाकी लोग जानना चाहें? मैं नहीं जानना चाहता, मुझे क्यों अपना समय जाया करना इसमें। ये नीचे हरियाणा वाली न्यूज जिसमें मे बी ये फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, सो ये वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट वेट, देखो कोई भी न्यूज जो इमीडिएट सिग्निफिकेंस की है, अगर कम शब्दों में कहूं, जिस न्यूज की सिर्फ तात्कालिकता है, इसका कोई लॉन्ग टर्म, रावत ने राहुल गांधी से मिलकर या सिद्धू से क्या कहा, हरीश रावत ने क्या कहा, इसकी कोई नेशनल सिग्निफिकेंस हो सकती है? एक्सेप्ट सम इमीडिएट सिग्निफिकेंस, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेशनल पर्सपेक्टिव से इसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। राजेश राम बीपीसीसी के, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हम कांग्रेस की और बीजेपी की पढ़ाई नहीं करते हैं, हम भारत राष्ट्र की, देश की बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सेंट्रल यूजिंग प्रोब एजेंसी फॉर वेंडेटा, अब ये एक न्यूज है जो कह रही है कि केंद्र सरकार जो सेंट्रल एजेंसीज को, उनको बदला लेने के लिए इस्तेमाल करती है। अब इसका कोई मतलब, ये राजनीतिक एक स्टेटमेंट है, इनका हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, एक आदमी कहेगा कि चोरी कर वो आप यूज कर रहे हो, दूसरा कहेगा नहीं कर रहे हो, इससे एज एन स्टूडेंट हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो लाठी चार्ज हुआ फार्मर्स पे, अब इसके अंदर सारी कहानी लिखी हुई है कि कहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ इकट्ठे हुए, किसने क्या बोला, ये हमारे लिए लाठी चार्ज किसी भी तरीके से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन लॉ क्योंकि अभी हमारे देश में कुछ समय पर चर्चा में है, इसलिए हमें ये पढ़ लेना होगा। अब सिक्योरिटी अपग्रेड लेड टू सम इंटरप्शन, जो UIDAI का आधार कार्ड का प्लेटफॉर्म है, वो सिक्योरिटी अपग्रेड होने के कारण काम नहीं कर रहा, तो एक अपडेशन दे रहा है, वो हमें सूचना बता रहा है कि भाई आधार काम कार्ड नहीं चल रहा। पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट फिर भी इसमें कोई, मुझे नहीं लगता विशेष न्यूज हमें मिलने वाली है। मैन बुक्ड फॉर, अच्छा ये जो छोटी खबरें होती है ना, इनको कई बार इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनकी हेडलाइन जरूर पढ़नी होती है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आगे मैं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। कभी कभी यहाँ से भी हमें, ये नित्यानंद राय, ये इंडिविजुअल्स की खबरें हैं, इसमें इन सबको हम छोड़ते जाते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना होगा। देखो इसका कोई वो नहीं है। अब गैंगरेप केस है, नेशनल न्यूज हो सकती है पर हमारे लिए नहीं होती है। जनरली हमारे को न्यूज जो लेनी है वो लेनी है न्यूज विद पर्सपेक्टिव, इमीडिएट सिग्निफिकेंस वाली नहीं लेनी है, न्यूज विद पर्सपेक्टिव, जिसका कुछ पर्सपेक्टिव है, जिसका आगे आगा और पीछा है, कुछ कुछ आगे उससे हो सकता है, पीछे कुछ उससे हुआ है,
वो न्यूज हमें पकड़नी है। लाठी चार्ज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मार दिया, घट गया, उससे नहीं कुछ हमारे लिए, वो उसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, एंटरटेनमेंट वैल्यू है। अब जैसे ये न्यूज है, वाई आर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमालयाज रिस्की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, इसे मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उन प्रोजेक्टों की स्थिति क्या है, कहाँ क्या इश्यूज हैं, क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे लिखा वाटर चैलेंजेस सच प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस हैज सम पर्सपेक्टिव, है ना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आगे भी रहेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पीछे से भी चले आ रहे हैं, लगातार चले आ रहे हैं, इनका एक पर्सपेक्टिव है, इनकी इनकी हमें ज़रूरत है, इनसे हमें दिक्कतें भी हैं, तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला पेज जो है वो न्यूज़ का है, ये वाला पेज भी इसी तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि आपको कौन सी खबर पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। ये सेम चीज़, अब जैसे प्लाज्मा डीएनए वैक्सीन, ये हमें पढ़ना है क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव है, ये मेरे को कोविड में के प्रति मेरी जानकारी को बढ़ाएगा, ये मुझे पढ़ना है। रीओपन स्कूल शेज 56 एक्सपर्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो स्कूल को ओपन किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यों हमें नहीं करना। ओवरक्राउडिंग इन ओडिशा जेल, ये कंसर्न नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। फ्लायर फ्रॉम यूरोप नीड नेगेटिव रिपोर्ट, ये भी कंसर्न नहीं है। सेंटर एक्सटेंड कोविड 19 गाइडलाइन, मेरे काम का नहीं है। तो मेरे को केवल दो खबर ये वाली पकड़नी है, इन खबर को मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो ये मेरा न्यूज़ हो गया। वेबिनार ऑन चैलेंजेस फेस्ड बाय, ये छोड़ सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का कोविड इंपैक्ट पे छोड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड गुड ट्रूथ, अब जितने हमारे चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर लोग शामिल हैं, उनकी बात को जरूर हमें सुन लेना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। कलकत्ता ये बेकार है, सीबीआई अरेस्ट ये भी बेकार है, ठीक है। तो हमें ये न्यूज़ को शॉर्टलिस्ट करना आना है कि हमें कौन सी खबर पकड़नी है, कौन सी छोड़नी है। वर्ल्ड न्यूज़ में भी इसी तरीके से, वर्ल्ड जनरली ये इसमें खबरें सारी काम की होती हैं, तो इस पेज को आपको लगभग पूरा पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें वही खबरें रखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये लगभग इसमें ज़्यादातर खबरें, इंटरनेशनल सारी खबरें जितनी भी होंगी वो हमें पढ़ लेनी चाहिए ताकि हमारी एक लॉन्ग टर्म समझ इसमें डेवलप होती जाए। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पेज को बहुत बार लोग इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपको पता चलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या महत्वपूर्ण आज के समय में घट रहा है। तो आप पूरी कहानी मत पढ़िए, टॉपिक का नाम पढ़िए, इंडिया अनलाइकली टू विटनेस अ सर्ज इन केस इन सेप्टेम्बर, कि भाई कैसे कोविड 19 के केसेस का हमें पता चल सकता है। तो इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक मिलता है उसको आप मार्क कर लीजिए और उस टॉपिक को लिस्ट करके आगे फिर उसकी डेप्थ में जाएंगे। IAC completes technology transfer of oxygen transfer concentrator to 24 companies, में नहीं है। BCG वैक्सीन, ठीक है, अब BCG वैक्सीन कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कब बनाई गई, किसने बनाई गई, ये सब अगर इसमें जानकारी है तो आपको उसे पढ़ लेना होगा। ये सब ये इंपॉर्टेंट होता है, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल, ये पेज आपको जरूर पढ़ने हैं। फिर एडिटोरियल पेज शायद इसमें आज है नहीं, क्या आज ये संडे का अखबार होगा तो शायद इसलिए इसमें होगा नहीं। FAQ, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, असेट मोनेटाइजेशन क्या चीज़ है ना, ये एडिटोरियल पेज ही है शायद, ठीक है। तो ये पेज आपको 101%, ये पेज सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी भी टॉपिक पर, क्रीमी लेयर के विषय पर अगर हमें पढ़ना है, असेट मोनेटाइजेशन पर पढ़ना है, तो ये जनरली जो एडिटर जो नो वो होते हैं एडिटोरियल में हमेशा वही विषय रखे होते हैं जिनका एक पर्सपेक्टिव है, जिनका आगे भविष्य है, जो पीछे किसी चीज़ से लिंक्ड है, एक पर्सपेक्टिव है। और जनरली जो ऑथर होता है वो हमें उसका कुछ बैकग्राउंड भी दे देता है, कभी कभी पूरा बैकग्राउंड दे देता है, कभी कभी कुछ बैकग्राउंड दे देता है, दोनों स्थिति में हमें पता। जैसे आप देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, व्हाट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, हाउ इट विल हेल्प अवर इकोनॉमी, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व, व्हाट लाइज अहेड, आगे क्या होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज के बाद सारी न्यूज को आप पढ़िए।
प्रोफाइल्स ये कभी कभी पढ़ सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो इन्हें पढ़ सकते हो। संडे के दिन ये एक अच्छी चीज़ आती है, इसमें कुछ चीज़ें काम की रहती हैं। बिजनेस बिजनेस पेज इम्पॉर्टेंट होता है। बिजनेस पेज में आपको पकड़ना होता है क्या हो रहा है, इसमें काम की खबर ढूंढनी होगी। अब जैसे ये रेट्रो टैक्स क्लोजर, ये इम्पोर्टेंट इशू है। अब अमेजन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये मेरे को नहीं लगता काम का है। वॉक्सवैगन ने कौन सी कार इंट्रोड्यूस की, एक आध खबर होगी बट वो खबर हमारे काम की होती है तो वो हमें पढ़नी है। स्पोर्ट्स पेज से बहुत जनरली कोई न्यूज़ नहीं है, हमें काम की होती है। चाहो तो आप जनरल नॉलेज के लिए, अदर नॉलेज के लिए स्पोर्ट्स पेज को ध्यान से पढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर हमारा जो पेज हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। नंबर वन हमारा जो फर्स्ट पेज होता है, हमारा न्यूज़ का जो छठा और सातवां पेज होता है, फिर एडिटोरियल पेज होता है, फिर इंटरनेशनल पेज होता है, बिजनेस पेज होता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेशल इश्यूज पर जो टॉपिक्स हैं वो आपको पकड़ने हैं। और यहाँ भी आपको फिर हर जगह पर पढ़ते समय आपको ये देखना है कि क्या ये सवाल हो सकता है, क्या यहाँ से सवाल उठ सकते हैं, क्या ये सवाल बना सकता है। तो ये आपको न्यूज़पेपर पकड़ने की तरकीब होनी चाहिए। एक बार आप लोग पढ़ना शुरू करो फिर मैं आपको इसमें और विशेष रूप से चर्चा करूँगा। अब जैसे अमिड वीज़ा कैंसिलेशन, कि वीज़ा कैंसिलेशन का दौर चल रहा है, इसमें 1,500 अफगान ICCR स्कॉलर्स का क्या होगा। अब मेरे को इसमें न्यूज़ में खास इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट कि मैं ये नहीं जानता व्हाट इज़ ICCR स्कॉलरशिप्स। तो मैं ये लिख लेता हूँ व्हाट इज़ ICCR। आपको ध्यान रखना है इस न्यूज़ से केवल टॉपिक पिक करने हैं। मैंने एक टॉपिक लिख लिया कि मेरे को आज ICCR पढ़ना है, तो मैं ICCR बाद में गूगल खोलूंगा कि ICCR क्या होता है वो देख लूंगा। दूसरा टॉपिक यहाँ देख लेता हूँ, ये इसको इग्नोर मत करना, ये जो साइड में लिखा रहता है मुख्तार अंसारी छोड़ देते हैं, डोंट हायर पीपल विद रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस इसे भी छोड़ देते हैं, CBI अरेस्ट दो ये भी छोड़ देते हैं, सेंट्रल यूजिंग प्रोब एजेंसी फॉर वेंडेटा इसमें कुछ खास नहीं होगा, गुजरात टू स्टे ये जो मैं उस पेज पर भी कह रहा था, यहाँ पर ये मेन न्यूज है। अब कन्वर्जन लॉ क्या है, कन्वर्जन लॉ क्या आ रहा है, डिफरेंट स्टेट का क्या क्या इसमें अपना टेक है, अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या राय है, लीगैलिटी ऑफ कन्वर्जन लॉ पर क्या राय है, ये मेरे को पढ़ना होगा, ये समझना होगा, ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। 5 फ्रॉम मैसूर रेप केस इसको छोड़ देते हैं, इसमें हमारे लिए कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं होने जा रहा। पुलिस बेटन चार्ज फार्मर ये भी छोड़ सकते हैं। इंडिया ब्रॉट बैक पीपल होली बुक्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अब ये कहानी पढ़ लेंगे भाई कौन सी होली बुक्स की बात चल रही है, कौन सी होली बुक्स हम ले आए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इस न्यूज़ को एज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लैग कर रहे हैं, तो हमको फिर ये देख लेना होगा। हो सकता है हमारे पास अगले 6 महीने बाद ये सवाल मिले, अगले साल ये मिले कि दीज बुक्स Which of these books, which of them were brought from Afghanistan या whatever जो तो वो अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारे हैं सर वहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब लाए, कौन से गुरुद्वारे से लाए थे ये नाम पूछा जा सकता है, कुछ भी इससे रिलेटेड सवाल हो सकता है। तो ये न्यूज़ फिर आपको यहाँ जहाँ जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट दिखे, क्या लाए, गुरु ग्रंथ साहिब लाए, कहाँ से लाए, कौन सी जगह से, कौन से गुरुद्वारे से लाए, वो कहीं है इसमें मेंशन। इसमें कहीं मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या कहां से वो लाई गई, किस जगह से वो लाई गई। ऐसी 2-3 न्यूज पकड़ के हम इसको कर लेंगे, ठीक है। फार्म लॉस की बात हो रही है तो हमें जैसे ये डिस्कशन चल रहा है तो फार्म लॉ क्या है, ठीक है, ये हमें लगभग सबको पता होगा फार्म लॉ क्या है। अब तमिलनाडु ने इसमें क्या स्टैंड ले लिया है, डिफरेंट कुछ स्टैंड ले लिया है, वो हमें पढ़ना है। तो ऐसे हमें अखबार पढ़ना है, अखबार हमें जल्दी पढ़ना है, अखबार में से हमें टॉपिक ढूंढने हैं, जो भी टॉपिक हमें मिले, जो चाहे यहाँ दिया गया हो चाहे ना दिया गया हो, हमें आगे जाकर जैसे मैंने एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया था ICCR, अब मैं गूगल पर गया ICCR सर्च किया, अब मुझे मिल गया ICCR क्या है, मुझे नहीं पता था ICCR क्या है,
अब मुझे पता चल जाएगा कि ICCR क्या है. ICCR इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन. ये ICCR ने अफगान के नागरिकों को 1500 वो दी हुई है. इसका मैं विकिपीडिया पेज भी खोल सकता हूँ. ये ICCR का ऑफिशियल पेज है. इसका मैं आई प्रेफर टू रीड विकिपीडिया. जब भी मुझे किसी चीज के बारे में जानना होगा मैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाएगी. और विकिपीडिया की जो इन्फॉर्मेशन होती है लार्जली ऑथेंटिक होती है. कब बनाया गया जी? 1950 में मौलाना आजाद द्वारा बनाया गया. यहाँ देखो ये फैक्ट शीट दी हुई है. अभी प्रेसिडेंट कौन है, क्या ये काम करती है, ये सारी इसकी वेरियस एक्टिविटीज मुझे यहाँ मिल जाएंगी. अब मैं ICCR जान जाऊंगा. कल मेरे को ICCR संबंधी कोई सवाल होगा मैं उसका आंसर कर दूंगा. ठीक है, ठीक है या नहीं? कुछ समझ आया? नहीं ठीक है. आप अखबार पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी बनानी है, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है. ठीक है जी. चलो एक बार करके देखो. हिंदी माध्यम के लिए क्या करना है? यार हिंदी माध्यम की समस्या अखबार के मामले में बहुत बड़ी है. फिर भी एक अच्छा अखबार पकड़ लो. कौन कौन से अखबार आते हैं हिंदी में? सर जनसत्ता पकड़ लो. मतलब मुझे देखो हिंदी के अखबारों की कम जानकारी है. आप लोग ये कर सकते हो हिंदी के स्टूडेंट की राष्ट्रीय संस्करण सबसे बेस्ट है हिंदी के लिए. ठीक है, ये जैसा बता रहे हैं दैनिक जागरण पकड़ लो. इसके अलावा दैनिक जागरण में भी दैनिक राष्ट्रीय संस्करण आता सर यूपीएससी के हिसाब से या पीसीएस के. वो देख लेना. ये जो नेशनल एडिशन बोलते हैं वो आपको देख लेना. दूसरी चीज हिंदी वाले लोग, ये इंग्लिश वालों के लिए भी जरूरी है जिसको हमने अभी नहीं बात करें. हिंदी में 2-3 मैगजीन्स आती हैं. हिंदी में कुरुक्षेत्रा मैगजीन आती है, हिंदी में योजना मैगजीन आती है. आप उसको भी लगभग इसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. एक आध मैगजीन, एक शायद एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी हिंदी में आता है, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी आप हिंदी में देखिए. इसके अलावा आपको जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी है वो देखना चाहिए. रेडियो पर ना एक समाचार आते हैं 9 बजे 8 बजे, तो वो समाचार आपके 5 मिनट के होते हैं, वो आपको समाचार आपको सुनने चाहिए. नहीं भारत सरकार के होते हैं वो रेडियो, बीबी जो भी हमारी रेडियो वो है आकाशवाणी उसके होते हैं. बीबीसी भी देख सकते हो, पर कोशिश ये करो सरकार के सोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा सुनो, सरकार के सोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो. ठीक है चलिए, तो आज की क्लास खत्म करते हैं. लंबी क्लास हो गई और आप सभी लोग अपना पढ़ाई करेंगे. असाइनमेंट आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. ओके बाय. ओके सर. थैंक यू सर. बाय सर.